राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, युवा व्यवसायी और फिल्म प्रोड्यूसर मनीष मुंद्रा। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूं। मनीष मुंद्रा एक NRI फिल्म प्रोड्यूसर जिसका फिल्मों में आना कंटेंट ड्रिवन सिनेमा में एक नई किरण के आने जैसा है। मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूं। अब तो हम फ्रेंड हो गए ना, बात हुई ना पूरी रे। लड़की है पर कास्ट है दोस्त, ज्यादा सेंटिमेंटी मत होना। कभी फिल्म से मोल भाव मत करिएगा। साबुन बेचने आए हैं आपके दरवाजे पे। हम हरिश्चंद्र घाट पे रहते हैं, पैदा भी वहीं हुए थे। लकड़ी उठाना, मुर्दा जलाना, ये काम करते हैं हम। देखना तुमको दोबारा ऐसी गंदी बातों वाला फोन किया ना तो दौड़ा के मारेंगे। शुरू से ही फिल्मों के शौकीन रहे मनीष मुंद्रा यूं तो नाइजीरिया स्थित एक पेट्रोकेमिकल कंपनी के CEO हैं, और उनका या उनके परिवार का फिल्मी दुनिया के साथ दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन दुनिया के सिनेमा के सामने अपने देश की ज्यादातर फिल्मों के लचर कथ्य और प्रस्तुति पर उनके मन का एक कोना सदा चिंतित रहा है। खाना सोना बहाना ये नहीं रुकने चाहिए, ये रुक गए तो सब कुछ रुक जाएगा, समझो। हर महीने इस तरह से लाखों रुपए बाहर। At this rate he'll go bankrupt. Is that what she would have wanted? आप अपनी बीवी के साथ डिस्कस करते हैं ये हर्षा कि डार्लिंग अगर तुम कोमा में चली गई तो कितने दिन लाइफ सपोर्ट पे रहना चाहोगी? '13 में बनी उनकी फिल्म कंपनी दृश्यम, आंखों देखी, मसान, अमेरिका, धनक, वेटिंग, एक्स, कड़वी हवा, न्यूटन और रुख जैसी फिल्मों के जरिए दर्शकों तक ऐसी कहानियां पहुंचा रही है जिनका रिश्ता हमारे इर्द गिर्द हो रही सामाजिक हलचलों से है। मैंने शेर को दहाड़ते हुए नहीं सुना, कभी नहीं। शेर 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 दहाड़ता नहीं है। अबे दिमाग खराब कर रखा है, अगला अगर शेर गुंगा हुआ तो क्या करेंगे फिर? बोलेगा मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहाँ बार 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 झूठ बोलना पड़े। अरे सुन रहे हो, इनके तो बाप दादा की बहुत जायदादें पड़ी हैं, सोने की खाने पड़ी हैं, ये क्यों करेंगे नौकरी? देवघर के एक कारोबारी परिवार में जन्मे मनीष मुंद्रा का शुरुआती जीवन खासी अनिश्चितताओं और जद्दोजहद के बीच गुजरा, जहां उन्होंने सड़क के किनारे कोल्ड ड्रिंक बेचने से लेकर साड़ियों की खुदरा बिक्री जैसे मामूली उद्यम भी किए जिनसे परिवार के जीवन को आधार मिल सके। 19 साल की उम्र में घर छोड़कर निकल पड़े मनीष जिंदगी की हकीकतों से दो चार होना चाहते थे। गुजरते वक्त के साथ अनुभवों की आंच ने मनीष मुंद्रा को इस तरह गढ़ा कि व्यावसायिक शिक्षा की जरूरत उनके मन में घर कर गई। नतीजतन जोधपुर पहुंचकर मनीष मुंद्रा ने MBA किया और आदित्य बिरला ग्रुप के साथ नौकरी की शुरुआत की। जल्द ही वो नाइजीरिया स्थित एक पेट्रोकेमिकल कंपनी के साथ जुड़े, जहां अपनी लगन और व्यावसायिक सूझबूझ से वो आज कंपनी के CEO हैं। महज 4 साल के छोटे से अरसे में मनीष मुंद्रा ने अपनी प्रोड्यूस की हुई फिल्मों से दुनिया भर के मशहूर फिल्मोत्सवों और आम दर्शकों के बीच समान रूप से स्वीकृति हासिल की है। इसी साल यानी 2017 में आई उनकी फिल्म न्यूटन इस बार भारत की ओर से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री हासिल कर चुकी है।
माओस्ट इन्फ्लुएंस काफी हैवी है, फुल सिक्योरिटी मिलेगी। अगर पोलिंग बूथ पे माओवादियों ने हमला कर दिया तो? उस पोलिंग बूथ के इलेक्शन को हम रद्द कर देंगे और दोबारा वहाँ री इलेक्शन करवाएंगे। पिछले इलेक्शन में 19 लोग मारे गए थे। यहाँ तो मतदान केंद्र आज कई सालों बाद लगा, यहाँ की कैजुअलिटी फिगर तो कल शाम को पता चलेगी। दृश्यम फिल्म्स एंड एसआईसी प्रोडक्शंस पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री मनीष मुंद्रा, आपको स्वागत है। मनीष मुंद्रा की एक और फिल्म धनक को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है और मसान को कान फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन मिल चुका है। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। हमको बताइए कि आपने बातों बातों में कहीं और ये बात कही कि जोधपुर की पढ़ाई के दौरान आप एक जैन मतावलंबी होकर 5 रुपए 8 रुपए में खाने के लिए थाली बढ़ाया करते थे, क्योंकि सस्ता खाना तब मिल जाता था जब आप जैन मतावलंबी हों, और उसके लिए आपने कोई मंत्र याद किया था। वो क्या मंत्र था? वो नवकार मंत्र होता है जैन जी। अभी तो पूरा याद नहीं है मुझे क्योंकि समय हो चला है, लेकिन नमो अहिरिया नाम करके स्टार्ट होता था। उस समय हमने याद किया था क्योंकि वो वहाँ पे खाना सस्ता मिल जाता था और हमें और अच्छा मिलता था। सबसे बड़ी बात थी कि 5 रुपए में इतना खाना मिल जाता था कि पेट बढ़िया से भर जाता था, और अच्छा खाना होने की वजह से हमने कहा कि चलो ये मंत्र सीख लिया जाए और उसमें एंट्री मिल जाती थी। वैसे वो जनरली ये होता था कि खाना खाने से पहले आपको नवकार मंत्र करने होते थे, और अगर आप ना करो तो समझ में आ जाता था उनको, और आप अगर दिल से करते थे तो वो कुछ पूछते नहीं। ये जोधपुर में हो रहा था। हाँ। और जोधपुर में आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? जोधपुर में मैं मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहा था, एमबीए कर रहा था। और ये एमबीए करने के लिए आप कहाँ से वहाँ पहुँचे? वैसे मेरे पिताजी बिजनेस करते थे देवघर में, जो कि छोटा सा शहर था, पहले बिहार में होता था, अब झारखंड में है। और बट मेरे पिताजी जोधपुर से बिलोंग करते थे, तो वो वहाँ गए थे 1968 में, वहाँ पे बिजनेस करते थे, वहाँ ही मेरा जन्म हुआ और फिर 12th तक वहीं पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं जोधपुर आया जहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन करी और फिर अकाउंटेंसी करी और उसके बाद एमबीए किया। तो जोधपुर में मेरा एक्चुअली वही 12वीं के बाद की सारी पढ़ाई वहीं हुई। देवघर तो देखिए एक छोटी सी जगह है जो पहले बिहार में था और अभी वो झारखंड में है। जब आपने वहाँ आँखें खोली तो कैसा माहौल था देवघर में, यानी कि मनोरंजन के साधन क्या थे, शिक्षा का स्तर क्या था? खुद आपके परिवार में हम उस पर अभी आएंगे कि जब आप पैदा हुए तो आपको आपके रंग की वजह से काफ़ी कुछ एक नाटकीय अनुभव से गुजरना पड़ा, उस पर अभी आएंगे। लेकिन हमें बताइए कि देवघर में क्या माहौल था? छोटा सा शहर था, मतलब और बड़ा ही गुथा हुआ शहर था आपस में। मतलब मैं आपको बता दूं कि हमें गाड़ियों के नंबर तक याद थे कि ये गाड़ी का ये नंबर और ये फलना की गाड़ी है, कारों के। और मतलब हमारे बीच में कंपटीशन होता था कि ये नंबर किसकी गाड़ी का है और ये नंबर कौन से इंसान कौन से किन का है। तो हम याद रखते थे नंबर, सोचे इतना छोटा शहर था और सबके माता पिता आपस में जान पहचान होती थी। बाजार छोटा सा होता था, 1.5 किलोमीटर लंबा बाजार होता था, और सिनेमा जो है वो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता था हमारा। और देवघर और एक चीज़ के लिए प्रचलित है, सावन महीने में वहाँ पे जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है बाबा बैद्यनाथ था, वहाँ देवघर में है। तो सावन में मेला लगता है जिसमें लोग कांवर लेके आते हैं और वो एक महीना मेला चलता है, और वो एक महीना जो आते हैं कांवरिए लाखों की तादाद में आते थे उस समय भी, वो देवघर की इकोनॉमी चलाते थे। मतलब कि आप समझ लीजिए, सावन में एक महीना अगर आप ढंग से काम कर लें तो पूरे साल भर का देवघर में खर्चा निकलता था। दैट वाज आई थिंक मेजर इकोनॉमी। एंड सेकंड जो दूसरी चीज़ थी वो एक अपने आप में एक पहाड़ी स्थल था वो, तो बंगाल से और काफ़ी लोग जो है वहाँ पे सर्दियों में आते थे, एक तीर्थ मतलब एक पहाड़ी स्थल के हिसाब से।
दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी, और पर्यावरण बड़ा अच्छा था वहाँ पे, माहौल बड़ा अच्छा था। खास करके स्कूलिंग की जहाँ तक बात है, तो वहाँ पे जो है कॉन्वेंट स्कूल थी, सेंट फ्रांसिस स्कूल, जहाँ पे हमारी पढ़ाई हुई, वहीं से अंग्रेजी अंग्रेजी सीखे। और बाकी शहर बहुत प्यारा था, मतलब सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे था, चल करके आप सब्जी मंडी पहुंच जाते, चल करके अस्पताल पहुंच जाते, स्कूल पहुंच जाते। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपके पिता खुद जोधपुर से देवघर आए थे, और बहुत पहले आए थे, बहुत पहले मतलब ये कि आपके जन्म से शायद 10-11 साल पहले आए होंगे, 7-8 साल पहले। तो चूँकि एक मारवाड़ी व्यापारी जोधपुर से चलकर देवघर, क्या इसलिए वो आए होंगे कि वहाँ पर एक तीर्थ स्थल था और वहाँ कारोबार की संभावनाएं थी? वो मेरा जो हमारे दादाजी का पुश्तैनी बिजनेस जो था, व्यापार था, तंबाकू का था, और मेरे पिताजी ने उसको बढ़ाने के हिसाब से केंदू पत्ता, जो बीड़ी पत्ता होता है, उसमें उन्होंने अपना व्यापार किया। और वो जो इलाका है झारखंड का, जो अब जो इलाका है, वो केंदू पत्ता के लिए काफ़ी माना जाता है। वो जो पूरा बेल्ट है छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा से ऊपर का, तो और देवघर उसमें से एक बड़ा ही अच्छा अच्छी जगह थी। तो शायद ये वजह रही थी पिताजी की कि वहाँ जाके बेस बनाया जाए और केंदू पत्ता का काम किया जाए। तो वो रीज़न था उनका वहाँ जोधपुर से देवघर जाने का। और फिर आपका जन्म हुआ, और जन्म के साथ ही कुछ इस तरह चीज़ों ने मोड़ लिया कि आपके पिता का कुछ कारोबार बैठ सा गया, वो क्या अनुभव है? वो तो खैर 7-8 साल बाद रियलाइज हुआ कि हुआ क्या था। तो यू ऑलवेज आप वापस जाते हो उस समय में और समझते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। बट ये ज़रूर था कि जब मेरा जन्म हुआ था उस साल, उस महीने, उसी दिन एक्चुअली पिताजी को काफ़ी व्यापारिक नुकसान हुआ था। और केंदू पत्ता जो बिज़नेस है वो मौसम पे काफ़ी निर्भर करता है, कि आपके मौसम अगर अच्छी गर्मी हो गई तो पत्ते अच्छे सूख गए और अच्छी वैल्यू मिल जाती थी, उसके पहले अगर अच्छी बरसातें हुई तो फसल अच्छी होती थी पत्ते की। तो मौसम पे निर्भर करता है, प्रॉपर कोई इरिगेशन फैसिलिटी होती नहीं, सारा नेचुरल से होता था। तो काफ़ी स्पेकुलेटिव बिजनेस था, बट स्पेकुलेशन में दोनों साइड होते हैं, मोर रिस्क मोर इनकम, मोर रिस्क ऑल्सो देयर चांसेस ऑफ लॉसेस। तो हुआ यूँ कि बरसातें आ गई, और ऐसी बरसातें आई गर्मी के टाइम में अप्रैल के महीने में कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, उससे मेरे पिताजी जो है उभर नहीं पाए। तो वो बाद में जाके रियलाइज़ हुआ जब धीरे धीरे संपन्नता घटती गई, कारों की संख्या घटती गई, कभी शून्य भी हो गई। और जब आप 7-8 साल के हुए तो तब आपको रियलाइज़ होने लगा कि स्थितियाँ बदल गई हैं। और जब तक 10-11-12 साल के हुए तब पूरा ही बिल्कुल पता चल गया था कि जो है सारा कुछ मामला ख़राब हो गया है। वहीं से हमारी जो जो तकलीफ, जब तक आपको एहसास नहीं होता है या समाज को एहसास नहीं होता है तब तक तो ठीक है, जिस दिन आपको एहसास होने लगता है कि नहीं हम गरीब हैं या हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं रहा, और जो समाज है वो समझने लगता है कि इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं रहा जो पहले था, तब तकलीफें ज़्यादा शुरू होती हैं। तब आपके अंदर जो कश्मकश है, जो आपके अंदर जो लड़ाई है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आपके अंदर एक डर घर करने लगता है। तो वो स्थिति हो गई थी। अच्छा, आप ये तो देखेंगे अब जबकि आप देश और दुनिया को थोड़ा ऊपर से डिटैच होकर देख पाते हैं के संबंधों में, और ये जो सामाजिक परिघटनाएं हैं कि किसी आदमी को उसके रंग की वजह से, कि घर में 5 भाई बहन हैं तो उसमें से ये वाला लड़का काला है तो ये ज़रूर कहीं और से आया होगा, ये बचपन से ही इस तरह आपके कान में पड़ता रहता है कि आप एक घर का हिस्सा होते हुए भी नहीं होते और आप अपने को अजनबी मानते रहते हैं। हम समझते हैं कि ये एक अच्छा अनुभव होगा ये, जो कि बाद में आपको शायद पता चला होगा कि ये क्या चीज़ थी जिससे आपको आइसोलेशन लगातार झेलना पड़ा घर में, वो क्या बात थी जो कि, और हम अपने दूसरे देखने वालों तक भी ये बात पहुंचाएं कि बचपन से ये डिस्क्रिमिनेशन या ये बातें अगर घर में ना हो तो शायद एक हेल्दी ग्रोथ बच्चे की हो पाएगी। दो चीज़ें हैं, रंग के अलावा रूप।
मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा तवज्जो, जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंडिया में रंग और रूप को दिया जाता है, उतनी बाहर नहीं दिया जाता। और जब आप पलट के वापस आते हैं तब एहसास होता है कि इतना गहरा ये छाप छोड़ता है एक इंसान पे, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा गोरा हो, हमारे भाई बहन गोरे हों, हमारे माँ बाप गोरे और सुंदर हों। सुंदरता अपीयरेंस की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो बचपन में जब आप शीशा देखने लगते हो और आपको जब एहसास होता है कि आप काले या सांवले हो और आप इतने सुंदर नहीं, आपके नाक नक्श इतने सुंदर नहीं हैं, तो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगती है। आपको डर लगने लगता है समाज स्थानों पर सामने जाने के लिए, लोगों के सामने उठने बैठने के लिए। और ख़ास करके जब हमारा टाइम था 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, तो नामकरण भी वैसा हो जाता था कि कालू, मोटू, छोटू, यू नो, जो बुलाने वाले नाम हैं, तो वो इम्पैक्ट भी बड़े करते हैं साइकोलॉजिकली आपके अंदर। आप एक इन्फीरियोरिटी लेवल में चले जाते हो, बहुत मुश्किल होता है उससे उभरना। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं सांवला हूँ या मैं काला हूँ और ये ठीक नहीं होता है और ये अच्छा नहीं है। उससे उभर पाने में मुझे बहुत समय लगा, बल्कि उसको बैलेंस करने के लिए मुझे काफ़ी दूसरी मेहनत करनी पड़ी कि ताकि वो इश्यू ना उठे, वो रंग भेद ना उठे। तो मुझे या तो ड्राइंग करके या लिख के या कोई और चीज़ को उभारना पड़ता था कि लोग इस बात को ना उठाए कि ये काला भी है और पढ़ भी नहीं रहा या कुछ भी नहीं कर रहा। तो वो एहसास जब मैं बाहर गया, और ख़ास करके जब मैं अफ्रीका में काम करने गया, मैं ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, मैं मन में थी, आज तक मैंने बताई नहीं, 10-12 साल मैं अफ्रीका में, 12 साल हो गए अफ्रीका में काम कर रहा हूँ। वहाँ पे सबका रंग एक जैसा है और वहाँ पे किसी को भी कोई एहसास नहीं है रंग और रूप का। इतने आराम से हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है कोई रंग से और रूप से, सब एक से हैं। और समाज में इस चीज़ को लेकर के एक इस तरीके का लेवल है कि हम जब लौट के इंडिया आते तो हम अपने आप में हंसते हैं कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम मतलब गोरेपन की क्रीम बेच रहे हैं या काले काले रंग पे हम इस तरीके से देख रहे हैं। वो ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वो एहसास मुझे अफ्रीका में काम करके पीछे 12 साल में ये हुआ कि रंग और रूप दो चीज़ जो है वो भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है, एंड नेचुरल फिनोमेना है और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा भी है, और सुंदरता अंदर से देखी जानी चाहिए। एक्चुअली ये बात इसलिए भी होनी ज़रूरी है क्योंकि हम एक ऐसे आदमी की सफलता की कहानी पर नज़र डाल रहे हैं जिसने पैदा होते ही अपने पिता के कारोबार को बर्बाद होता हुआ सुना, और फिर धीरे धीरे जो सर्वाइवल की जो लड़ाई थी उससे गुज़रते हुए आखिरकार आज वो एक अरबपति के रूप में हमारे सामने एक कामयाब व्यक्ति की तरह बैठा हुआ है। तो ये जो परिवार में, जहाँ से आपने बाद में सुना होगा कि पिता का कारोबार फिर काफ़ी कर्ज़े में डूब गया, तो उसके बाद आपका निजी स्तर पर क्या उसमें हिस्सेदारी क्या थी? एक चीज़ तो ज़रूरी है कि इंसान को गरीबी से निकलना चाहिए, और समय भी बहुत ज़रूरी है। अगर बचपन में ये हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि गरीबी क्या होती है, और उसके लिए उसको संघर्ष करके उसको मिटाने की एक ताकत होती है, क्योंकि उसके पास समय होता है उसको कैचअप करने के लिए। अगर ये मिड एज में होती है, 35 साल में, 40 साल में जाके, तो उसको बहुत लेट हो जाता है एहसास होने में, और प्लस कैचअप करने के लिए उसके पास समय बहुत कम रह जाता है। तो बचपने में अगर ये चीज़ हो जाती है तो आदमी को एक एहसास हो जाता है कि यहाँ नहीं पहुँचना है या यहाँ से उठना है। तो जब मेरे में ये एहसास हो गया, और दूसरी बात ये कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो चोट ज़्यादा लगती है। अगर आप नीचे रहते हो और नीचे ही हो तो आपको इतना फ़र्क महसूस नहीं होता, बट अगर आप एक लेवल में ऊपर थे सोसाइटी में और तब जब नीचे आते हो तो दर्द ज़्यादा होता, शर्म ज़्यादा होती है, डर ज़्यादा होता। दर्द, डर और शर्म, ये तीनों ज़्यादा होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, और आपको सामाजिक तौर पे आपको एक अपना एक लेवल बना के रखना होता है, और वो बड़ा मुश्किल होता है।
तो ये तीनों चीज़ों का एहसास मुझे 9-10 साल का था, तो हो चुका था, और मेरे मन में ये था कि इसको हटाना है। कोशिशें भी शुरू हुई, व्यापार कुछ नया बिजनेस करने का 10वीं 11वीं 12वीं में करना शुरू कर दिया था, बट बिना पूंजी के बात आगे बढ़ नहीं रही थी, एक लेवल पे जाके रुक जाती थी, और पूंजी का कुछ दिखता नहीं था हिसाब किताब कि आएगी कहाँ से। तभी मतलब एक रियलाइजेशन हुआ मुझे, पक्का इंसिडेंस तो मुझे याद नहीं, बट मुझे ये ज़रूर रियलाइजेशन हुआ कि बिना पूंजी के अब आगे बढ़ना है तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी में एंटरप्रेन्योरशिप ला करके आगे बढ़ना होगा, और तभी आपकी पूंजी पैदा होगी और लोगों का विश्वास आप में पैदा होगा, तब वापस पलट करके आप जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। ये क्लैरिटी मुझे 12वीं कक्षा में आ गई थी। वहीं से फिर मैंने व्यापार करना छोड़, जो भी छोटा मोटा काम करना छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान लगाया। मैंने कहा कि जिनके पास पैसा नहीं है, मैं उनसे ये कहता हूँ आप पढ़ लीजिए, पढ़ने में इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, सबसे बढ़िया रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट का है वो पढ़ाई लिखाई में, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर लीजिए, कैसे भी भीख मांग के, छात्रवृत्ति लेके, मेहनत करके, 2 टाइम की नौकरी करके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले लीजिए, रास्ता खुल जाएगा। और एक बार आपने प्रोफेशनल डिग्रीज ले ली, आपको जॉब मिल जाती है, जॉब मिलने के बाद फिर आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल ताकत लगाएं। तो जॉब में एक तो होता है समानता रूप से नौकरी करें, जो भी एक रेगुलर प्रमोशंस आते जाएं उनको लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। दूसरा है रिस्क लें और अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको वैल्यू एडिशन के तरीके बताएं और उनकी ग्रोथ में अपनी ग्रोथ करवाएं, वो ज़रूरी, वो सेकेंड स्टेज है। तो वो जो जस्ट टू सम अप द आपका क्वेश्चन कि वो जो दर्द, डर और शर्म थी उसको बचाने के लिए पहले मैंने छोटा मोटा बिजनेस करना शुरू किया कि शायद इससे कमाई हो जाए, बट एक लेवल पे जाके रुक जाती थी। इसलिए फिर रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, पढ़ाई करना ज़रूरी है, और पढ़ लिख लिए, प्रोफेशनल डिग्री ले ली और जॉब मिल गई हमको, उससे क्या हुआ एक स्थायित्व आ गया, और फिर हमने शुरू किया कि अब क्या करना है, जॉब तो है पर उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा क्या सोचा, उन सबको तरजीह दी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ें लिखें और फिर अपने अंदर का उद्यमी को भी जिंदा रखें। क्योंकि अभी इस सवाल के जवाब में 2 बार ये जिक्र आया कि आप कुछ छोटा मोटा काम कर रहे थे, ये छोटा मोटा काम 8वीं 10वीं कक्षा के ज़माने में वो क्या काम था और क्यों करना पड़ रहा था आपको? काम तो पैसे के लिए ही करना था कि कहीं से कुछ बिजनेस चालू हो जाए और कुछ रास्ता मिले जिसको हम आगे बढ़ा पाएं। मेरे चाचा जी की साड़ी की फैक्ट्रियां थी राजस्थान में, वहाँ से साड़ी लेके आके बेचना, सुपारी बेचने का काम, कोल्ड ड्रिंक्स बेचने का काम, मम्मी से च्यवनप्राश बनवा के कई काम किए इन 2-3 सालों में। बट होता ये था कि छोटे लेवल का काम हो जाता था, मतलब कहीं आगे हम बढ़ नहीं पाते थे क्योंकि बिना पूंजी कोई बिजनेस बैठता नहीं था, तो हर जगह जाके रुकावट आ जाती थी। तो बिजनेस कई 4-5-6 तरीके के करने की कोशिश की, बट होता यही था कि अटक जाती थी बात आ करके कि या तो आप उधार दे नहीं सकते थे, अगर आपने पैकेजिंग जैसे चाय चवन प्राश हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे कुछ भी, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बिना कुछ नहीं होता था, और उन सब में भारी मात्रा में पैसा लगे तो बात रुक जाती थी। और इस वजह से फिर मुझे ये लगा कि बिना पैसे व्यापार होगा नहीं और मुझे कोई पैसा देगा नहीं, तो ज़रूरी है कि डिग्री लें। डिग्री इज़ लाइक, मैं बार बार उसको दोहराऊंगा बोले कि प्रोफेशनल डिग्री इज़ लाइक पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है नहीं तो आप विदेश जा नहीं सकते, तो आपको एक पासपोर्ट ज़रूरी है, जब पासपोर्ट होगा तभी वीज़ा लग पाएगा। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक डिग्री, कितना भी व्यापार करने का आपका मन में हो या आपको उद्यमी बनने के मन में हो या गरीबी से जूझ रहे हो, पढ़ना ज़रूरी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करनी ज़रूरी है, उसके बाद कई रास्ते खुलते हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि आदमी, क्योंकि वो जो एडोलेसेंस का पीरियड है,
उसमें आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हुए जब हारते हैं तो कई कई मौतें आप मरते हैं और फिर दोबारा जीते हैं और फिर एक बार दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे छोटे कस्बे या छोटे शहर में होने वाली एक ज़िंदगी है जिसमें बहुत रोशनी नहीं है, और चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ का मामला हो या और जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से आदमी के लड़ने और हारने की जो दुनिया हो, उसके बारे में बताइए। मेरे हिसाब से समाज में सब तरह के लोग हैं, और एक तो ये, दूसरी बात ये कि जो पल पल मरना, तिल तिल मरना और वापस ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है इंसान, और वो सही टाइम पे होना, वो जो लेयर्स बनती है ना इंसान में, वो जब बड़ा होता है तो लेयर साफ जहन में झलकती है, उसके कैरेक्टर में झलकती है कि इसमें कई स्ट्रैटास हैं, इस आदमी में कई डेप्थ हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वो शर्म से मरना, वो डर से मरना, वो फेलियर से मरना, या कोई काम नहीं हो पाने से मरना और वापस उठना, मजबूरी से मरना और वापस उठना, कोशिश करना, उसकी लेयर्स बनती हैं, अपने अंदर तह लगती है, और उस तह में से ही इंसान का जो असली रूप, जब वो फाइनली जब इंसान बनता है, जब खड़ा होता है अपने पैरों पे, वो साफ झलकती है उसमें से। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है उसमें से निकलें। दूसरी बात जो मैंने कही पहले कि समाज में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। कुछ मेरा मतलब भगवान का आशीर्वाद भी कि मुझे अच्छे लोग मिलते रहे, सही समय पर मुझे कुछ रियलाइजेशन होता रहा और मैं चलता रहा। ऐसा नहीं कि फेलियर नहीं हुए या धोखा नहीं हुआ या मजबूरी की जो है वो स्थिति नहीं बनी, लेकिन वापस उठने का रास्ता दिखता रहा, वापस उठने की ताकत मिलती रही। शायद वो डर था, वो घबराहट थी कि वहाँ नहीं जाना है, वापस उस जगह पे नहीं पहुँचना है और आगे बढ़ना है, शायद वो रही। भगवान का भी एक आशीर्वाद रहा कि वो फोरसाइट देता रहा कि और सही समय पर कि अब ये कर लो, नहीं तो फंस जाएंगे, तो हो जाता था। तो ये बहुत ज़रूरी था कि समाज में अच्छे लोग मिले। भगवान का एक मेरे ख्याल से वरदहस्त था मेरे पे, मैं आज भी मानता हूँ कि भगवान ने जो कुछ भी है, आदमी का समय वैसे भी आदमी से आगे चलता है, तो भगवान की कृपा थी कि मैं बचता निकल गया और अच्छे लोग मिले, और एक वो जो डर है और वो जो एक था शर्म, वो मेरा हमेशा पीछा करती थी कि नहीं तुम यहाँ नहीं, आगे बढ़ो। तो ये सारी लेयर्स जो हैं वो इंसान को ज़रूरी भी और मुझ में है। ये तो हुआ उसका जो थ्योराइज्ड जवाब जो आपने दिया, लेकिन अगर इसको एक किसी एक अनुभव से सुलझाने की कोशिश करें, जैसे कि आप अपने पिता के कर्ज को चुकाने के लिए आपने जब अपनी माँ के जेवर गिरवी रखे, तो उस पराजय को फिर बाद में आपने कैसे, क्योंकि उस वक्त तो वो हो ही गया, लेकिन फिर कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे आप वापस फिर उठ खड़े होते हैं? वही है कि जब तो कर्ज को चुकाने के लिए पैसे थे नहीं पूरे, और धीरे धीरे धीरे, अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस समय तक 22 साल का हो चुका था, तो अब समझिए 20-22 साल तक धीरे धीरे रिश्ते कदम कदम पे जो संपन्नता है वो शून्यता की ओर बढ़ चुकी थी, और गहने भी काम आ चुके थे काफ़ी, बहनों की शादी ये वो। तो जब ये हुआ उस समय मैंने ही पूछा था माता जी से, तब क्या बचा है, बता, यही बचा है। मैंने कहा लाओ दो, मेरी इच्छा नहीं थी बेचने की, मेरा था कि इसको दे के कैसे भी कुछ उधार ले लें और फिर उसको लौटा दें। तब तक मेरी जॉब लग चुकी थी ढंग से, तो मुझे ये था कि वहाँ से फिर मैं महीने महीने चुका के इसको उठा लूँगा। तो वो आज भी मुझे याद है वो सीन, वो उस समय, वो क्षण जब माँ ने मुझे वो पकड़ाया, मैंने उनकी आंखों में देखा, और फिर जब मैंने जिनको दिया उसकी आंखों में भी देखा, क्योंकि उसके पीछे भी एक कोई किस्सा था, और मैं मरा। मतलब आई थिंक मुझे एहसास है कि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़मीन फटे और मैं जस्ट
चला जाऊँ। बट क्यों ऐसा लग रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गलत हो रहा है, इतना लंबा ये सब कुछ नहीं चलना चाहिए और अब जो कुछ भी है इसको अब बंद करना चाहिए। तो बट ये भी था कि कैसे करूं, रास्ता नहीं है और खड़ा रहना भी ज़रूरी है। तो एक मन में ना एक वो पूरा एहसास आता है कि भगवान आखिर मैं ही क्यों या हम ही क्यों इस स्थिति में और इतने लंबे समय में, मतलब कुछ तो रास्ता निकालो, सब मेहनत कर ली। तो वो एक तरीके से आप अपने आप को ना सरेंडर करते हो, अपने आप को आत्मसमर्पण करते हो कि बस बहुत हो गया, अब जो करना है मतलब इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। तो वो जो आत्मसमर्पण है जब आप यू ले डाउन तब आप उठते हो वापस, आपको थोड़ी देर में वापस लगता है कि नहीं यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी जाएंगे। तो वो जो ताकत होती है वो आपको उठाती है। मतलब वो एक पहलू जो आपको मैं बता रहा था कि हर चीज़ में आँखें बोलती हैं, हर संवाद में और हर स्थिति में आँखें आपको बोलती हैं, जबान से ज़्यादा आँखें बोलती हैं। तो माँ की आँखें हैं, उस आदमी की आँखें हैं, इवन वो जो बैंकर्स थे उनकी आँखें जिनको हमने पैसा दिया, और पिता की आँखें जब उनको पता चला कि हम, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनकी आज भी मुझे याद है वो सारी आँखें, वो आज भी मैं अपने साथ लेके चलता हूँ उन आँखों को, वो मुझे प्रज्वलित करती हैं अंदर से। और ठीक है, वैसी स्थिति तो कभी नहीं आएगी क्योंकि वैसा बंदोबस्त किया शुरू से ही कि भाई हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, पर मैं ऐसा किसी को देखता हूँ वो स्थिति से गुजर रहे हैं तो मुझे वो आँखें प्रज्वलित करती हैं कि इसको कुछ करो, इसके साथ कुछ करो, और मैं करता हूँ। तो फिर जैसा कि आपने कहा कि पढ़ाई और एक डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री लेकर आप अपनी जो जीवन स्थितियाँ हैं उसको आप बदल सकते हैं, आपके हिसाब से वो एक तरह का पासपोर्ट है विदेश जाने के लिए, जैसे उसकी ज़रूरत है उसी तरह से जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत है। तो आपने जोधपुर से MBA किया, लेकिन इस बीच में आप जोधपुर की पढ़ाई के दौरान बाड़मेर गए, उसका भी कुछ किस्सा सुनाइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। रिसर्च कर रखा वो हिस्सा मैंने शायद किसी को बताया नहीं है, या तो मेरे ब्लॉग में होगा, पता नहीं। खैर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता नहीं है कि 2 साल मैंने दही बेचा। हाँ, दही बेचा। तो बाड़मेर जोधपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत बड़ा मरुस्थल है, जिला है राजस्थान का। आई थिंक बाड़मेर जैसे मुझे पहले सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, अब 2 अलग अलग जिले हो गए। तो बाड़मेर में नानी रहती थी हमारी, और नानी का जो है पुश्तैनी दूध दही का काम था। तो जोधपुर में जब मैं रहता था तो वहाँ से बुलाहट, तो नानी एक समय हो गया कि वो अकेली रह गई थी, कोई नहीं था घर में। तो मम्मी का फ़ोन आया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें वहाँ जाना चाहिए देखने के लिए। तो मैं गया बाड़मेर, और नानी की उल्हे की हड्डी टूटी हुई थी और वो अकेली थी, बीमार थी, मेरे ख्याल से 80 से ऊपर की होगी उस समय उनकी उम्र, उठ नहीं पा रही थी। तो मैं गया रात में, मतलब दरवाज़ा भी खुला था, वो ऐसे ही था क्योंकि वो उठ नहीं पा रही थी। तो मैं गया, उनको संभाला, उनके साथ रहा, डॉक्टर से मिलना करना, खैर वो तो एक अलग कहानी। बट उनकी सबसे ज़्यादा तकलीफ ये थी कि उनकी दुकान बंद हो गई थी दही की, और उसके सामने किसी और ने दुकान खोल ली थी। तो दर्द से ज़्यादा उनको उस बात का दर्द होता था कि उनके जो ग्राहक हैं वो सामने जा रहे हैं। और उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया कि तू खाली बैठा है मेरे साथ, दुकान खोल ले। मैंने कहा मैं तो टेम्प्ररी आया हूँ, मैं तो जाऊँगा जोधपुर वापस। बोले मेरी देखभाल करनी है, ये वो करना है, तुम ये, मतलब ही नानी जी ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया कि इसको तुम खोलो, यही खोलो तभी मैं ठीक होंगी, नहीं तो नहीं, मेरे ग्राहक सारे जा रहे हैं। और उनकी नज़र बड़ी पैनी थी, घूंघट रखती थी लेकिन नज़र पूरी पैनी थी कि मतलब ग्राहक के नाम से याद, पुराने लोग हैं उनको नामों से याद है, और
वो बोल देते कि फलना आदमी वहाँ जा रहा है, फलना आदमी जा रहा है, इसका टाइम हो गया वो आएगा। तो बात यहाँ तक होगी कि मुझे खोलना पड़ा मतलब दुकान। मैंने कहा मुझे कुछ आता नहीं है, कैसे दही जमाना है, क्या करना है, क्या नहीं। वो बोले मैं सिखाऊंगे। और दुकान जो है वो घर पे ही बनी हुई थी, ऐसा जैसे बरामदा था जहाँ पे नानी लेटा करती थी, उसकी उसका दरवाजा खुलता था दुकान को, दुकान से सड़क। अच्छा, तो आप दुकान में बैठ के नानी को देख सकते हो, नानी बैठ के दुकान को देख सकती। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि आप घर बंद करके दुकान जा रहे हैं। तो शुरू हो गया दूध गर्म करना, जमाना करना, और बिक्री वापस आनी शुरू हो गई। अब कहते हैं कि एक दुकान थी पहले, फिर दो हो गई, तो ग्राहक भी ज्यादा आने लगे, बराबर सी कमाई होने लग गई। तो वो किया मैंने करीब 1.5-2 साल, और मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कमाई भी हो रही है और पढ़ाई भी हो रही है यहाँ पे, तो वो कर रहा था मैं। दही जमाने के बारे में कुछ और बताइए कि उसमें क्या आपने मंत्र सीखा था? एक तो ये था कि मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब अगर दही जमाने की बात है। कभी कभी बात भी होती है तो मैं कहा मैं कुछ नहीं करूंगा तो घर जाके वापस, वो दुकान अभी भी है, कुछ नहीं होगा तो मैं जाके दही की दुकान खोलूं। नानी अभी हैं? नहीं, नानी गुजर गई, बट वो आती हैं मेरे पास, अभी भी सपनों में आती हैं, मेरे से बात होती है। तो मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो मैंने वो घर रख रखा है नानी का, हम लोगों ने उसको बेचा नहीं है, वो दुकान भी रख रखी है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा तो जाके दही बेचेंगे। उस समय मैं 25-30 किलो रोज के बेच लेता था। लेकिन बताइए तो सही, कैसे जमाने का कुछ थोड़ा वो बताइए। दो कैटेगरी होती है, भैंस का दही और गाय का दही। भैंस का दही थोड़ा गाढ़ा होता है, दूध गाढ़ा होता है, और गाय का थोड़ा पतला होता है। खाने में भैंस का दही ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बिकता था। और पर बाकी जो सब्जी वगैरह उसमें जो इस्तेमाल होता है कढ़ी वगैरह में गाय का, तो दोनों बराबर से जमाते थे। और दूध गर्म करके और मिट्टी का जो वो होता है एक बर्तन, उसमें दूध ठंडा करते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जावन देते थे। वो कला नानी जी ने सिखाई थी। और उससे पहले आपने कभी देवघर में दही नहीं जमाया था? नहीं, घर में मम्मी जमाती थी, देखते थे, बट आइडिया नहीं था कि कैसे क्या। बस ये पता था जावन डालते हैं दूध में, गर्म करके दही जमता है। बट यहाँ पे नानी जी मतलब कमर्शियल लेवल पे जो है किस टेम्परेचर पे डालना है, और क्या है मलाई की एक वैल्यू होती है दही में। ऐसा नहीं है दूध डाल दिया और आपने जमा लिया। दूध गरम गरम आपको डालना पड़ता है उस मिट्टी के बर्तन में जो रोज धुलते हैं। वो बर्तन में गरम दूध डालो, बहुत गरम, और ठंडा करो उसमें, उसी बर्तन में, तब मलाई उसके ऊपर जमती है। और फिर बगल में थोड़ा सा छेद करके चम्मच से वहां जावन अंदर, ताकि मलाई डिस्टर्ब नहीं हो। अच्छा, मलाई की वैल्यू है, अगर दही में मलाई नहीं है तो ग्राहक को मजा नहीं आएगा। मतलब यू नीड टू दैट, मलाई हैज अ वैल्यू। वो नानी ने सिखाया कमर्शियल तौर पे कैसे दही जमता है। और मुझे ज्यादा भैंस का दही जमाने में मजा आता, दूध का दही जमाने में मजा आता था, क्योंकि बड़ा गाढ़ा चक्की जैसा जमता था। मतलब आप उठा के डाल लो और अगर जमीन पे गिर गया तो वापस उठा लो, इस टाइप से इतना बढ़िया होता था। तो इस तरह से देखिए कि अगर कोई मेजर, पहला कोई मेजर सक्सेस, बिजनेस सक्सेस अगर देखें तो नानी के ज़रिए शायद वो हुआ हो। एक आपने अपना मिडास टच वहाँ पर पाया, और उसके बाद जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम समझते हैं कि जो नौकरियों का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो कब से ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल ड्रास्टिकली शिफ्ट होता हुआ ऊपर पहुँचा? नानी के साथ ना बिजनेस तो नहीं कहूँगा, आज भी मैं उसको मैं बताता हूँ कि वो नानी के मानसिक जो सेटिस्फैक्शन के लिए ज़्यादा था। मुझे भी कुछ हाथ खर्ची मिल जाती थी, बट नानी पूरा हिसाब रखती थी उस चीज़ का। तो व्यापारिक सफलता तो नहीं थी, बट मानसिक तौर पे मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन था कि मैंने ये काम कर दिया। मेरे लिए एक बहुत बड़ी दीवार को तोड़ना था। जब आप पढ़ लिख लेते हो या पढ़ रहे होते हो, रोड पे दुकान खोल के दही बेचना, आप अंदर की एक दीवार गिराते हो। एक पर्दा होता है, एक लाज का, एक शर्म का, कि लोग क्या बोलेंगे, उसको गिराना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक दूसरा पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगा कि जब तक आप अच्छा काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो ना, लाज का पर्दा तो गिरा देना चाहिए।
वो जैसे गिरता है ना, आप बहुत खुलते हो, बहुत ओपन होते हो, और इस ओपननेस से लोग आपको देख पाते हैं, आप लोगों को देख पाते हो, आप परिस्थितियों को देख पाते हो, और आपको आगे बढ़ने के रास्ते दिखते हैं। वो पर्दा, वो लाज, वो शर्म गिराना चाहिए, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग जॉब विद इन द लॉ एंड बहुत अच्छा काम है, तो शर्म करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। हम काफ़ी चीज़ शर्म से छोड़ देते, कह रहे यार क्या दुनिया क्या बोलेगी, ये क्या कर रहे हैं, बट अच्छा है और किसी की भलाई हो रही है तो कर लेना चाहिए। खैर, प्रोफेशनल लेवल पे जब मैं शुरू किया काम, आदित्य बिरला ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया था मैनेजमेंट, वो पहली नौकरी थी आपकी? हाँ। और शुरू से ही मुझे ये था कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ज़रूरी है, इंडस्ट्री में जा करके एक्सपीरियंस, तो चाहे वो सीमेंट से शुरू किया मैंने, सीमेंट से इंसुलेटर्स, जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, फर्टिलाइजर्स, उसके बाद माइंस, कॉपर माइंस, सीमेंट में मैंने लाइमस्टोन माइंस में भी काम किया, और भी माइंस में कॉपर माइंस हैं, फिर कॉपर स्मेल्टर्स, एल्युमिनियम स्मेल्टर्स, काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे हुआ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, बड़े बड़े प्लांट्स का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी हुआ, ट्रैवल किए, और इंटरनेशनल M&A मर्जर्स एक्विजिशंस की बात हुई, स्ट्रैटेजी ग्रोथ की बात हुई, वहाँ से मेरा जो रुझान है वो स्ट्रैटेजी, बिजनेस डेवलपमेंट, ग्रोथ पे हो गया। मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे एक स्पेशल स्किल दी है फोरसाइट की, जो मैं देख सकता था कि दीवार के पीछे क्या है, जो अपनी एक वॉल है उसके पीछे क्या है, और ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री कैसे होगी, विजनरी एक जो स्ट्रैटेजिक ग्रोथ की बात है, वहाँ मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर वो एक खासियत है कि मैं देख पा रहा हूँ कि बिज़नेस ग्रो कैसे करेंगे, नए एवेन्यूज़ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ मुझे आगे लेके आई। तो एक फोरसाइट, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए फोरसाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख पाते हो कि आगे क्या आने वाला है, उस हिसाब से अपनी चाल चलते हो, इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है जो आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल रिस्क इवैल्यूएशन का जो एक एप्टीट्यूड होता है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है, स्पेकुलेटिव नहीं होता है कभी भी एंटरप्रेन्योर, इट हैज़ टू बी कैलकुलेटिव रिस्क, इट कैनॉट बी स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन कैन गो अदर वे, बट कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वो मेरे ख्याल से थी मेरे में, जो मैं कैलकुलेट कर पाता था कि कोई डिसीजन हम ले रहे हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, रिस्क क्या है, कैलकुलेट कर लेते कि इतनी हम रिस्क लेने की क्षमता है हमें, और उतने कैलकुलेटिव गेंस की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और तो वो दो चीज प्लस डिसिप्लिन, हार्डवर्क, बड़ी शुरू से मेहनत तो करते आए हैं, डिसिप्लिन जो माता पिता की एक डिसिप्लिन था कि चाहे कितना भी गलत हो रहा तुम्हारे साथ, तो ये लाइन्स हैं इसको क्रॉस नहीं करोगे, तो वो अंदर इनबिल्ट हैं कि आप मेहनत करो चाहे कितनी भी। और लकीली मुझे जो बॉसेस मिले शुरू से बहुत ही क्रांतिकारी बॉसेस हैं, दे मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिनाउंड फेसेस एंड रिनाउंड माइंड, सो आई वॉज लक्की ऑल्सो फ्रॉम दैट वे कि मैं मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो बहुत ही विजनरी थे, बड़े लोग थे, और बड़ा काम कराया उन्होंने, और छोटी उम्र में बड़ा एक्सपीरियंस दिया उन्होंने, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस दिया, तो ये सब मिला करके मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस था। एक टाइम आया जब मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ, और विदेश जाना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसे, अब जो एक स्थिति होगी स्थायित्व आ गया, अब ग्रोथ, और समय से ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, समय से जल्दी ग्रोथ चाहिए। तो आपको जैसे मैंने पहले भी अपने वार्तालाप में ये बोला कि आपको आगे बढ़ना पड़ता है जन्मभूमि से ना कर्मभूमि, जितनी आप दूर करोगे उतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये एक थ्योरी है मेरे दिमाग में कि आपको आगे बढ़ना होगा, आपको और दूर जाना होगा आपको ज़्यादा बड़ा बनने के लिए। तो विदेशी जगह फिर काम करने के लिए, और वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा। ये विदेश जाने की क्या क्या संयोग थे, ये आदित्य बिरला ग्रुप का ही कोई नहीं, दूसरी कंपनी, वहाँ से मैंने आदित्य बिरला ग्रुप छोड़ा और एक और कंपनी को ज्वाइन किया इंडोरामा करके, जो मैं आज तक इंडोरामा में ही हूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे उस कंपनी में ये
मिली लकीली, अगेन भगवान रास्ता दिखाते हैं, कि उन्होंने मेरे एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट को समझा और फ्री हैंड दिया, जो आज तक फ्री हैंड है। कभी भी एम्प्लॉई की हैसियत से मैंने काम नहीं किया, उन्होंने मुझे हमेशा एंटरप्रेन्योरियल लीडर की तरीके से रखा, और मेरे फोरसाइट, मेरी जो बिजनेस डेवलपमेंट ग्रोथ की जो स्किल्स हैं उसको, उस पर विश्वास किया, और हमने ग्रो किया उसमें, कंपनी ने ग्रो किया, मैंने ग्रो किया। और बहुत ही सज्जन जो हमारे बॉस हैं, जो हमारे मालिक हैं, महान लोगों में से एक हैं, जो जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया इंसानियत का भी, और एक जो समाज में जो एक प्रोफेशनल का एक जो एटीट्यूड होता है वो सिखाया, कि भाई आप कितने भी बड़े सक्सेसफुल प्रोफेशनल हो, आपको कैसे खड़ा रहना है, कैसे हम्बल होना है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जितने आप बड़े होगे, जितने आप सक्सेसफुल होगे, उतना ज़्यादा आपको झुकना चाहिए, चाहे वो हाथ मिलाना हो, चाहे किसी से बात करनी हो, और जितना आप अकड़ के रहोगे उतनी चीज़ें आप मिस करोगे और लूज़ करोगे। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई कि ये आप मान लो कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आपको उतना ज़्यादा झुकना पड़ेगा, तभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, तभी लोग आपको प्यार देंगे, और आप तभी सक्सेसफुल। तो उनके सानिध्य में, उनके साथ काम करके मैं भी ग्रो हुआ, कंपनी भी ग्रो हुई, और उनकी वजह से फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आई, जिस वजह से मैं वापस आके अपने सपने फिल्मों का पूरा कर पाया। शायद ये सफ़र इसलिए ही था। ये कौन सा साल था जब आप इंडोरामा के लिए नाइजीरिया गए होंगे, और कौन सी स्ट्रेंथ आपकी, आपके बॉस ने देखी होगी? पहले मैं इंडोनेशिया गया था। इंडोनेशिया, इंडोरामा का हेडक्वार्टर वहीं था 2002 में। वहाँ आपसे काम करके फिर थाईलैंड, वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट लगाया। फिर जब थाईलैंड प्रोजेक्ट एक स्टेज पे पहुँच गया, जहाँ दूसरे लोगों ने, दो चीज़ें होती हैं प्रोजेक्ट स्टेज में ना, एक आप कंसीव करते हो प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हो, उनके प्रोजेक्शंस बनाते हो, बिजनेस वायबिलिटी बनाते हो, और बैंकर्स, लेंडर्स और लोगों से बात करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो, उनके आइडियाज़ मतलब आप लेते हो और उनको अपने आइडियाज़ बेचते हो, अपना सपना बेचते हो, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर एक लेंडिंग हो जाती है, एक आपको उधार मिल जाता है, और दोनों पैसे, जो खुद के पैसे और उधार के पैसे लगा करके आप एक प्रोजेक्ट स्टेज डेवलप करते हो, जिसमें एक पूरी प्लानिंग होती है कि ये टेक्नोलॉजी का प्लांट होगा, ऐसे होगा। तो वो सारा सिलेक्शन प्रोसेस के बाद टेक्निकल टीम टेक ओवर कर लेती है वहाँ से, जहाँ से वो एग्जीक्यूशन फेज आता है, जहाँ वो लगाने लगते हैं प्रोजेक्ट। तो फ्रॉम कंसीविंग टू द एग्जीक्यूशन पॉइंट तक का मेरा रोल होता है, क्योंकि मैं टेक्निकल हूँ नहीं, इंजीनियर हूँ नहीं, तो वहाँ से वो एग्जीक्यूशन फेज। तो वहाँ पे आकर के हम वापस लौटे तो बोले अब क्या। और तब जो, तब तक मैंने काफ़ी अफ्रीका के बारे में पढ़ रखा था, तो मुझे लगा कि अफ्रीका शुड बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर ग्रोथ। और अफ्रीका में भी चूँकि हमारा झुकाव पेट्रोकेमिकल्स और हाइड्रोकार्बन पे था, ऑयल एंड गैस पे था, तो नाइजीरिया एक ऐसा देश है अफ्रीका में जहाँ प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स हैं, और उसकी लोकेशन भी बड़ी स्ट्रैटेजिक है, जिस वजह से वो अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स को देखता है। तो मुझे लगा नाइजीरिया स्ट्रैटेजिक देश होना चाहिए हमारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एंड दैट्स व्हाई नाइजीरिया। तो 2005-06 में मैं नाइजीरिया पहुँचा। तो मनीष जी, हम यहाँ तक इतनी बातें कर चुके हैं जिसमें कि एक बिजनेसमैन किस तरह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए वहां पहुंचता है जहां अब वो अपने कुछ छूटे हुए ख्वाबों को पूरा कर सकता है, यानी कि सिनेमा जो आपके कहीं पृष्ठभूमि में चल रहा था और आप फिल्मों में उतरे, फिल्म प्रोड्यूस करने में उतरे, इस बारे में बात इस ब्रेक के बाद करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और मनीष मुंद्रा के साथ बातों का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। होने के बावजूद ना कोई जिंदगी, अब शोहरत आपसे कोई भी ये बहुत ही सिलसिला। मैं सिगरेट तो नहीं पीता मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है। क्या आपको सच में लगता है कि ये मेरी आवाज है? मेरी आवाज ये भी हो सकती है और मेरी आवाज ये भी हो सकती है। आप कौन सी गाड़ी से उतरते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उतरने के बाद आप क्या करते हैं। मैं उनमें से हूँ जो घर से भागे नहीं थे एक्टर बनने के लिए, मुझे भगाया गया था। अगर किसी ने अंग्रेज कहा होता ना मैं उसको एक थप्पड़ लगाता फौरन, और मैं कहता अंग्रेज होगा तेरा बाप। दोस्तों से प्यार किया, गुफ्तगू से बहुत प्यार किया, जो भी किया हमने किया शान से। देखिए गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं युवा व्यवसायी और फिल्म प्रोड्यूसर मनीष मुंद्रा। मनीष जी, ये जो पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइज़र की दुनिया में एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कायम करने के बाद आप फिल्मों में कैसे, फिल्म प्रोड्यूस करने में क्या सर्कमस्टांसेस थे कि आप उतरे? मेरे बचपन से ही मैं ना एक अपनी विश लिस्ट बनाता था। वो विश लिस्ट हमेशा उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ चेंज हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है। बट उस विश लिस्ट में हमेशा जो स्थायी तौर पे था वो कि फिल्में बनाना। पहले फिल्म थी, सिर्फ फिल्म, करना क्या ये नहीं पता था, मैं फिल्में। तो धीरे धीरे क्लियर हुआ कि फिल्में बनानी है। कब, क्यों, कैसे, ये भी क्लियर था कि ज़िंदगी में जो हम जिस दौर से गुजरे थे ये भी था कि मुझे रिस्क लेना नहीं है। तो पहले मैं आराम से अपना करियर बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा, और दूसरी जो ज़रूरतें हैं स्टेबिलिटी की वो पूरी करूंगा, फिर इस बारे में सोचूंगा। तो वो जब पूरी हो गई, वो सब डेवलप हो गया, तब ये समय एक आया कि मुझे लगा कि अब हम इस चेकलिस्ट को टिक कर सकते हैं कि फिल्म बना लेते हैं। और इस दौरान जो है 10-12 साल बाहर ट्रैवल करने के दौरान जो सिनेमा हमको देखने को मिला, जो हम देख पाए बाहर, आई वॉज एबल टू सी यूरोपियन सिनेमाज, अमेरिकन सिनेमाज, बोथ फैंटेसी लेवल पे भी और जो आर्ट हाउस सिनेमा है, जो रियलिस्टिक सिनेमा है उसको। और तब मुझे एहसास हुआ कि इंडिया में, खास करके हिंदी फिल्म में, हम कहीं अटक गए हैं, कहीं जा कर के ना अटक गए हैं पिछले 15-20 सालों में, जहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि विश्व सिनेमा कहीं और जा रहा है। दोनों कहानी कहने के ढंग से और कहानी के ढंग से भी एक रूपता सी हमारे में आ रही है, और हम एक जगह अटक गए हैं और वहाँ से हम आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। तभी मुझे लगा कि हमें एक ऐसी, मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो एक मिडल हो, एक अच्छी हो, सच्ची सी कहानी हो, छोटी सी कहानी हो, वो फिल्म बना के मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊँ। और मतलब मैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, वी नेवर न्यू एनी पीपल इन फिल्म इंडस्ट्री। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोगों को फॉलो करने लगा जिनसे मैं इम्प्रेस था, जिनके काम को मुझे अच्छे लगते थे और जो मुझे लगता था कि मैं इनके साथ काम कर सकता हूँ। और ऑफकोर्स उसी ट्वीट के जरिए मैं रजत कपूर से मिला, और आँखों देखी बनी, और आँखों देखी फिल्म मुझे बहुत ही अच्छी फिल्म लगी थी कहानी पढ़ के भी, और मेरे बजट के अंदर भी थी, और मेरा टिक मार्क भी हो रहा था, तो मैंने कहा ये कर लेते हैं। आंखों देखी रिलीज हुई, सबने सराहा। लेकिन अभी आप जंप कर गए, मुझे बताइए कि ये रजत के साथ ये ट्वीट वाली कहानी बहुत बार सुनी गई होगी, लेकिन हमारे देखने वाले भी जान जाएं कि ये ट्विटर के जरिए भी किसी डायरेक्टर को प्रोड्यूसर कैसे मिलता है। वो जैसे मैंने कहा, ट्विटर में मैं उनको फॉलो करता था, और उनकी एक ट्वीट आई कि कोई प्रोड्यूसर मिलता नहीं है, मैं बंद कर रहा हूँ फिल्म बनाना, स्टेज पे ही ठीक है, मैं अपने नाटक वगैरह करूँगा, बेसिकली ये सार था उस ट्वीट का। मैंने लकीली पढ़ा, और मैंने 2 मिनट में, मुझे ध्यान है वो अभी भी है ट्वीट, 2 मिनट के अंदर अंदर जो है मैंने जवाब दिया। अब ये समय ट्विटर पे आपको मालूम ही, अगर आप उस समय वो ट्वीट नहीं देखते तो ट्वीट आगे चली जाती और आप कहीं और रहते हो। तो वो मैंने देखा, तो मैंने जवाब भी दे दिया कि मैं, और मैंने सीधा यही लिखा कि मुझे लगता है मैं आपकी फिल्म बना सकता हूँ, क्या बजट है।
मैंने कहानी वहानी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि क्या कहानी है या क्या स्क्रिप्ट है या क्या प्रोसेस होता है. मुझे लगा कि रजत कपूर ने लिखा तो अच्छी कुछ होगी कहानी. तो बजट की बात कर लेते हैं कि कल को 10-15-20 crore की बात करें तो अपने पीछे हट जाएं. तो उन्होंने फिर वापस लिखा कि भाई आप कौन हो, ऐसे तो ट्विटर पे बात होगी नहीं, तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन करो. तो मैंने फ़ोन किया, तो फ़ोन में उन्होंने नाइजीरिया का नंबर देखा तो उनको लगा ये नाइजीरिया से जो मेल आते रहते हैं बहुत सारे कि तो मेरे फादर का बहुत सा पैसा है, आप अपना ईमेल आईडी भेजिए और अकाउंट भेजिए. तो उन्होंने बोला कि भैया मजाक तो नहीं कर रहे हो. तो मैंने नहीं बोला नहीं, ये मेरा सपना है, मैं चाहता हूँ आपके साथ फिल्म बनाऊँ. तो भी उनको कम विश्वास है उनको लगा. तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बॉम्बे आइए, बॉम्बे में बात करते हैं. तो बॉम्बे गया, बॉम्बे में उनसे मिला और बातचीत हुई और तय हुआ कि उस बीच उन्होंने कहानी भेजी. उन्होंने कहा कहानी भी पढ़ लो. अब कहानी मैंने पढ़ी, आंखों देखी कि मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं भी एक संयुक्त परिवार से आता हूं. ये पहला मौका था कि आप कोई फिल्म स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे? हाँ, पहली बार. तो संयुक्त परिवार से आता हूँ, उसके इम्पैक्ट्स और जब वो विघटन होता है, जो टूटता है परिवार, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पारिवारिक रिलेशनशिप में मैंने देखी था. तो मुझे लगा कि कैसे पारिवारिक स्थितियाँ बदल जाती हैं जब आपका इकोनॉमिक स्टेटस चेंज होता है. तो मुझे लगा कहानी तो अच्छी है और मुझे पसंद भी आई थी कहानी, अपने आप को जुड़ा पाया था. तो फिर बॉम्बे में हमने फाइनल किया कि ठीक है करते हैं. उन्होंने कहा कुछ पैसे भी लगेंगे एडवांस. तो मैंने कहा ठीक है ये ले लीजिए. बैंक में ट्रांसफर कर दिया हमने. फिर मैं आ गया नाइजीरिया. 10-12-15 दिन बाद फिर बातचीत हुई. मैं भी एक्साइटेड था आगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. वो बड़े दुखी रजत बाबू. वो बोले मुझे नींद नहीं आ रही. मैंने कहा क्या हो गया? बोले यार जितना तुमने एडवांस दिया उसमें मैं काम शुरू कर दूं तुम भाग जाओ तो तुम आओ ही नहीं. तो मुझे नींद नहीं आ रही. तो मैंने कहा आपको नींद आने के कितने पैसे चाहिए कि आपको बराबर नींद आए? तो बोले कम से कम 50% तो इतना तो दे दो. तो मैंने फिर वो ट्रांसफर किया. अब बोले अब बनेगी पिक्चर. उनको भी थोड़ी शांति आ गई क्योंकि आदमी ना बार बार धोखे खा करके लगता है कि यार ये हम शुरू कर दें, सबको डेट्स दे दें, सबको अपॉइंटमेंट दे दें और फिर पूरा पैसा नहीं आए तो फिर वो वाली स्थिति हो जाती है. तो मैं उनकी बात समझ रहा था और प्लस जो पेडिग्री मेरी थी जहाँ से मैं आ रहा था वो इतनी ज़बरदस्त भी नहीं थी कि आप बोला अरे यार हमारी तो पेडिग्री इतनी बढ़िया आप कैसी बात कर रहे हैं. तो जिस देश से मैं संपर्क साध रहा था तो मुझे ज़रूरत था कि मैं थोड़ा अपनी जो बोलते हैं कि एक गुडविल उसको बनाऊं. तो मैंने भी बोला कि इसमें कोई गलत होना नहीं चाहिए कि पैसा लेट पहुंचे या ना पहुंचे तो पहले ही दे दो ताकि उस बात पे एक भरोसा कायम रहे. तो फिर काम शुरू हुआ और फिल्म बनी. फिल्म बन गई. उन्होंने पहले ही बोल दिया था रजत बाबू ने यार मैं फिल्म बनाना जानता हूँ, कैसे बेचते हैं वो मुझे नहीं आता. मैंने उनको जवाब दिया था कि मुझे तो वो भी नहीं आता बनाना, तो बनाया जाए फिर देखते हैं. मुझे बेसिकली मुझे एक टिक करना था, एक जो एक चैप्टर था उसको क्लोज करना था कि मैंने एक पिक्चर बना दी. फिल्म बनाई और हम करीब मेरे ख्याल से लगता है 7-8-10 महीने हमारे पास पड़ी रही, हमें पता ही नहीं हम करें क्या उसका. ना तो मुझे फिल्म फेस्टिवल के बारे में मालूम, जाति कैसे है, किसको भेजना है, किसी और को मालूम नहीं, या लोगों को दिखानी चाहिए और भी चार जनों को दिखाते हैं वो बात करेंगे आगे बात बढ़ेगी, कुछ भी नहीं. फिल्म रिलीज हुई खैर और सब ने सराहा. वो जो मोमेंट था जब जो भी देख रहा था वो मतलब आशीर्वाद टाइप का दे रहा था, जो लिख रहा था, जो बातें हो रही थी, एक अलग टाइप का मुझे एक एनर्जी मिली. मुझे लगा कि ये सिर्फ एक टिक मार्क ही नहीं है, कुछ अच्छा किया जा सकता है इसमें, कुछ हासिल हो सकता है, लोगों को खुश किया जा सकता है इसमें, और अगर आप अच्छी फिल्में बनाओ तो आप कुछ कर सकते हो, समाज में एक आपका नाम हो सकता है. और आप एक जो एक होता है ना कि आदमी को कि ये अचीव कर लिया हमने भी एक, तो वो किया जा सकता है इसमें से. प्लस उसमें ना प्यार तो बहुत मिला, क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी बहुत मिला, बट फाइनेंशियल नुकसान हुआ उसमें.
तो वो भी एक चैलेंज था जहन में कि हार तो ऐसे मान के नहीं जा सकते, मतलब नुकसान लेकर के नहीं जा सकते। तो एक ये बैठ करके लेसन्स लर्न कि भाई क्या गलत हुआ क्या सही हुआ उसको समझा जाए, और ये बात तय हुई जहन में कि इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। एक जो वो एक आनंद था लोगों के क्रिटिकल एप्रिसिएशन का, वो बड़ा सुखद था, बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है कि ये हम बार बार लें तो और ज़्यादा आनंद आएगा। दूसरा जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन मुझे लगा कि हमें करना चाहिए फिल्म बनाने के लिए, ताकि एक इकोसिस्टम डेवलप हो कि आने वाले जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनको एक रास्ता मिले, एक डिसिप्लिनरी रास्ता मिले, तो वो आराम से फिल्में बना पाए। वो मुझे लगा कि वो एब्सेंट था उस स्पेस में। और तीसरा ऑर्गेनाइज तरीके से मार्केटिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, ताकि न केवल हम जो पिक्चरें बना रहे हैं उसको वो रूट में, वो भी इको स्पेस का ही एक रास्ता एक पार्ट है, पर दूसरे जो बना रहे हैं वो भी आकर के हमारे ऊपर बैक पैक हो सकते हैं, पिकी बैक हो सकते हैं, और उनको एक रास्ता मिले। और इन सब के द्वारा एक इकोनॉमिकली वायबल सेल्फ सस्टेनेबल एक मॉडल तैयार हो, जिसमें फिल्में बनाना स्पेक्युलेटिव नहीं हो करके एक नॉन कैलकुलेटिव रिस्क हो। देयर इज अ डिफरेंस इन विच आई सेड कि शुरुआत से अभी तक मेरी यही लर्निंग रही है कि कोई भी चीज जिसको आज हम कमर्शियल सिनेमा बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, इज द मोस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस आई हैव एवर सीन। मतलब जिसमें 95-96% लॉस हो, मतलब 95% ऑफ द फिल्म, 96% ऑफ द फिल्म्स व्हिच आर मेड टर्न इनटू लॉस। 3-4% ऐसी फिल्में हैं जो ब्रेक इवन करती हैं और थोड़ा सा कमाती हैं, और 1-2% ऐसी फिल्में होती हैं साल में 2-3-4 जो बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई कर जाती हैं। तो इससे बड़ा स्पेक्युलेटिव बिजनेस कुछ है नहीं, इट्स नॉट कमर्शियल, इट इज़ एक्चुअली स्पेक्युलेटिव। जो कमर्शियल होता है वो कैलकुलेटिव होता है। तो मैंने कहा कि ये जो दिग्भ्रमित होकर लोग कमर्शियल सिनेमा की बात कर रहे हैं, एक्चुअली स्पेक्युलेटिव सिनेमा की बात कर रहे हैं, और स्पेक्युलेशन जितना हम कम करेंगे और कैलकुलेटिव जितना हम रहेंगे उतनी ज़्यादा इकोसिस्टम में वो एक एनर्जी डेवलप होगी टू मेक गुड सिनेमा। जितना ज़्यादा हम स्पेक्युलेशन करेंगे उतने ज़्यादा लोग नुकसान खाएंगे, और उतने ज़्यादा लोग फार्मूला की तरफ भागेंगे और फिर नुकसान होगा। तो इसलिए भी मुझे लगा कि एक स्ट्रक्चरल चीज ऐसी बनाई जाए जिसमें हम ये कर सकें, तो इसलिए दृश्यम का फॉर्मेशन हुआ। दृश्यम पर अभी आएंगे, लेकिन आप ये खुद सोचिए कि आंखों देखी में पैसा लगाना या उसे पूरी तरह पैट्रोनाइज करना और आखिरकार उसका नाकाम होना, ये एक ऐसा तजुर्बा था जो आपको सदा सदा के लिए वापस फिल्मी दुनिया से अपनी दुनिया में भेजने के लिए काफ़ी था। लेकिन आपने उसको एनालाइज़ किया, और ना सिर्फ एनालाइज़ किया बल्कि उसके स्पेकुलेटिव नेचर को के ख़िलाफ़ कैलकुलेटिव एक स्टेप उठाते हुए आपने फिर बाद में दृश्यम बनाया। क्या वजह थी कि आप आंखों देखी के बाद भी एक ऐसी दूसरी मसान फिल्म में पैसा लगा रहे थे जो अगेन जो चलता हुआ मुहावरा है उसके खिलाफ थी, और जिसमें कोई स्टार सिस्टम नहीं था, कोई जो जो नॉर्मल रट का व्यवसाय है, और वहाँ पर फिर अगेन फेल होने का ख़तरा था, लेकिन फिर आपने वो रिस्क क्यों लिया? सबसे पहले तो आंखों देखी को अभी भी मैं नाकाम नहीं बोलता हूँ। जो सुखद अनुभव जो मैंने पहले भी बताया मुझे आंखों देखी से मिला, उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ और आपसे बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, अंदर में जो सुखद अनुभव है उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। वो भी वजह आंखों देखी से ही है। वो अगर नहीं बनती तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। तो मेरे लिए आंखों देखी से अच्छी चीज़ कुछ है नहीं। फाइनेंशियली यस, वो भी नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि हम तैयार नहीं थे उस चीज़ के लिए, हमें एहसास नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ तक जाना है। नहीं तो आज अगर आंखों देखी वापस बने
तो मेरे ख्याल से मेरी सबसे सफलतम फिल्म होगी वो। तो आहो देखी मेरे लिए एक सुखद अनुभव का एक पूरा पुल वो जिसको बोलते हैं कि एक बास्केट है, और उसमें से एक पोर्शन ज़रूर है कि इकोनॉमिक लॉस हुआ, बट उससे जो लेसन्स की आप बात करते हैं कि उसमें ये चीज़ समझ में आई कि कहानी बहुत ज़रूरी है, लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है, और कहानी बनाने की जो कॉस्ट है उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और कहानी बने और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के को दिखाया जाए। कैसे? जो क्रिटिक्स हैं, जो फिल्म इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इंटरनेशनल क्रिटिक्स हैं, इंटरनेशनल सिनेमा है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हैं, उसमें दिखाया जाए, ताकि अगर आपने अच्छी फिल्म बनाई है तो सब उसके बारे में बात करेंगे, सब उसको एनालाइज करेंगे, सब उसकी समीक्षा करेंगे, और उससे एक वर्ड ऑफ माउथ बनेगा, और उस वर्ड ऑफ माउथ को लेकर के वापस आप इंडिया आइए, तब आपको एक थोड़ी स्पेस मिलेगी, और उस स्पेस में आप अपनी फिल्म को रखिए। तो इसके इसके लिए क्या है कि एक तो वो चीज़ मसान में हमने करी, प्लस एक अच्छा पार्टनर भी लाइए जो इस काम में माहिर हो, इस काम में एक्सपीरियंस्ड हो। अकेला इसमें चलना बड़ा मुश्किल है। तो मसान में ये हुआ कि पार्टनर को ढूंढा गया, मसान की वजह भी ये थी कि एक अच्छे पार्टनर थे, उस वजह से हमें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, और इंटरनेशनल एक्सपोजर में हम कैंस पहुंच गए, और कैंस में अप्रिशिएट हुई फिल्म क्रिटिकली, और वहाँ पे हमें अवार्ड भी मिला, और फिर उसके बाद हम 50वें फेस्टिवल में बुलाए गए, गए उसमें जीता भी। तो वर्ल्ड ओवर एक फिनोमेना बना कि भाई एक अच्छी फिल्म है मसान, और घर पे समाचार आते ही थे कि मसान ने ये किया, मसान ने वो किया, मसान यहाँ जीती वहाँ जीती। तो घर में भी एक लोगों को इंतज़ार सा था कि ये पिक्चर कब आएगी। तो इस मॉडल में जो मैं आपको बात कर रहा हूँ दूरदर्शिता की, वो इसलिए हमने ऐसा किया कि हम ऐसा करके घर पहुँचेंगे और हम रिलीज़ करेंगे, और हमने घर पे रिलीज़ करी तो हमें एक स्पेस मिली, इतनी नहीं मिली लेकिन इतनी मिली, छोटी स्पेस ही मिली पर मिली, और वहाँ पे हमने उसका प्रदर्शन किया, और लोगों ने जो आंखों देखी का सुखद तो वो वापस मुझे मिला, लोगों ने सराहा, और एक कमर्शियली जो एक ठीक है, हमने उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया पर ब्रेक इवन किया हमने, चाहे वो सैटेलाइट का बॉक्स ऑफिस सब मिला करके हो, पर किया। तो वो एक कैलकुलेटिव रिस्क था कि कहानी अच्छी करेंगे, कमर्शियल डिसिप्लिन रखेंगे, इकोनॉमिक डिसिप्लिन रखेंगे कॉस्ट प्रोडक्शन में, इंटरनेशनल लेवल की कहानी बनाएंगे और उसको बाहर ले जाएंगे और उस परिस्थितियों से निकालेंगे कि लोग उसके बारे में बात करें और घर में उसका इंतज़ार हो, ताकि जब हम घर आएं तो प्रदर्शन के लिए एक जगह मिले, और वो हमें पूरी मिली। तो हमने पूरा वो चक्र कंप्लीट किया, और इस तरीके से ये स्थापित किया कि अगर आप इन चार हदों में रहें तो आपके लिए एक जगह होती है और आप उसमें आप अपना प्रदर्शन कर पाते हो। तो मसान से हमने वो पूरा किया। हम देखते हैं कि करीब 4 साल मोटे तौर पर कहिए कि ये 4 साल का छोटा सा सफ़र है, जिसमें आंखों देखी से शुरू करके अब आपकी रुख आने वाली है, और इस बीच में कई फिल्में अपनी तरह से इंटरनेशनल अटेंशन पा रही हैं, अवार्ड्स पा रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, कुछ फिल्में आप इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ में आप पार्टनरशिप के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और चूंकि आपने ये बात कही कि विश्व सिनेमा को आपने अपने विश्व भ्रमण के दौरान जो देखा और उसकी तुलना जब आपने भारत के सिनेमा के साथ की, तो आपको एक कंटेंट ड्रिवन सिनेमा या कहानी अच्छी, जिस पर आप बार बार जोर दे रहे हैं, ये कंटेंट ड्रिवन सिनेमा या कहानी अच्छी का आपके लिए क्या पैमाना क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत कहानियों का देश है, इतनी कहानियां हैं यहाँ पे, किंवदंतियों से लगा करके, इतिहास लगा के, हमारे मिथ्स लगा के, माइथोलॉजी लगा करके, और भी जो गांवों की कहानियां, शहरों की कहानियां, इतनी कहानियां हैं कि हम अगर उनको बनाते जाएं, बनाते बनाते वर्षों लग जाएं, वो पूरी नहीं होगी। तो एक समय था जब हम उसको छोड़ के, जो मैंने बताया कि हम एक फॉर्मूले पे लग गए
उसको करने लगे। तो मुझे उस चीज़ का एहसास था कि अगर हम हिंदुस्तान की जो एक इंडियननेस की कहानियाँ हैं, इंडिया के गाँव की, छोटे शहरों की, लोगों की कहानियाँ हैं, उनको सही ढंग से फौरी तौर पे अगर हम कहें तो सच्चाई से उसको अगर हम सामने लाएं तो वर्ल्ड ओवर ऑडियंस जो है उसको अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि उसमें एक ओरिजिनलिटी होगी और एक इंडियननेस होगी। तो वो ज़रूरी था, वो हमने किया। और मुझे लगता है कि उस चीज़ को, मेरा अगर सबसे बड़ा योगदान अगर आप कहें तो मैं जो समझता हूँ कि यह है कि छोटी कहानियाँ को छोटे पैमाने पे बना के उसको डीप बनाया जाए, और उस जो स्मॉल फिल्में हैं, ब्रेव हार्ट फिल्में हैं, उनको बाहर ले जाया जाए, लोगों को दिखाया जाए, अप्रिसिएशन लाया जाए, और वापस इंडियन सिनेमा की ओर लोगों का रुझान बढ़े, लोग पलट के देखें कि कुछ हो रहा है वहाँ पर, कुछ नया काम हो रहा है, और वापस घर आकर के जो नए फिल्मकार हैं उनको एक आशा का जो है वो प्रतिवेदन दिया जाए कि भाई हो सकता है, काम हो सकता है, और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए आपको छोटी फिल्म बनाने के लिए, और एक पार्टनरशिप मॉडल तैयार किया जाए जिसमें जो अलग अलग लेवल की कॉम्पिटिटिवनेस है उनको एक साथ दिया जाए, चाहे फिल्म कहानी डेवलप, कंटेंट डेवलप करने की कॉम्पिटिटिवनेस, फिल्म बनाने की कॉम्पिटिटिवनेस, फिल्म को मार्केट करने की कॉम्पिटिटिवनेस, और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने की ये चार जो तय हैं, जो चार पैरल्स हैं, इनकी एक पार्टनरशिप मॉडल बनाई जाए जो इन कॉम्पिटिटिवनेस को एक साथ पिरो करके बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे फिल्में जनरेट करें, और वो फिल्मों का जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और बहुत ही कैलकुलेटिव हो, जिसकी वजह से नुकसान न के बराबर हो फिल्म बनाने में, फ़ायदा हो नहीं हो बट क्रिटिकल एप्रिसिएशन बहुत हो और नुकसान नहीं हो। ये दो चीज़ों की वजह से फिर आपकी जो है वो इकोसिस्टम ऐसा डेवलप होगी, बहुत सारी फिल्में बनेंगी। जब बहुत सारी फिल्में अच्छी बनेंगी तो पूरा विश्व वापस इंडिया की ओर देखेगा, जो आज ईरान की ओर देखता है या यूरोपियन फ्रेंच सिनेमा की ओर देखता है बिसाइड्स हॉलीवुड, कि वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, कौन कौन सी और फिल्में बन रही हैं, तो मेरे ख्याल से वो क्रांति आएगी। अभी आप थोड़ा सा पानी पीजिए। बीच में हमने आपको, जब आपने दृश्यम का जिक्र किया तो मैंने टोका था, दृश्यम फिर कैसे बना? वो एक स्ट्रक्चरल रूप देने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि जहाँ पे कंटेंट डेवलपमेंट की एक अलग सेक्शन हो, हम एक इस तरीके का झरोका खोलें, इस तरीके की खिड़की खोलें जिसमें लोग आकर के अपनी कहानियाँ दे सकें और हम उसको रिसीव करके पढ़ सकें और डेवलप कर सकें स्क्रीन प्ले में। वो स्ट्रक्चर, एक ऑफिस ज़रूरत थी कि एक स्थायी ऑफिस हो जहाँ पे लोग देखें हमें आकर के हम कैसा काम कर रहे हैं। दूसरा था अपना लाइन प्रोडक्शन सेटअप करना, ताकि हम जो पिक्चर ओके करें या हम डिसाइड करें कि हम इस कहानी को बनाएं, हमारे अंदर इतना दमखम होना चाहिए कि हम अपनी बलबूते पे उस पिक्चर को हम उस तयशुदा बजट में बनाएं। तो उसके लिए भी अगेन एक स्ट्रक्चरल सेटअप ज़रूरी होता है, एक मिनिमल स्ट्रक्चरल सेटअप ज़रूरी होता है, फिर आप बाकी आप चीज़ें हायर करते हो, लेकिन एक जो रीड है वो ज़रूरी होती है। तो इसलिए भी ज़रूरी था कि हम दृश्यम बनाएं। तीसरा, उन फिल्मों को बाहर ले जाना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ले जाना, उस स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है कि हम कॉन्स्टेंट टच में रहें, स्क्रिप्ट भेजा जाए, स्क्रिप्ट बनने के बाद जो फिल्म होती है एक एडिट के बाद की स्टिल रॉ, उसको फिर भेजा जाए लिंक बाहर, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, उनसे कंटिन्यूस इंटरेक्शन हो, उनके इनपुट्स डाले जाएं, और फिर जब फिल्म फाइनल हो वापस भेजा जाए, और इस तरीके से एक लिंक बनाना, वो उसके भी एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, तो वो स्थापित किया गया। और उसके बाद जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है वो भी ज़रूरी था कि आप कॉन्स्टेंट थिएटर्स के साथ टच में रहें, एक रिश्ता बनाएं, उनको फीडबैक्स देते रहें कि आपकी कौन सी आने वाली है, क्या चल रहा है, क्या प्लान्स हैं, और उनसे एक रिश्ता बना करके, रिलेशनशिप बना करके, एक मार्केट में एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल तौर पे आप फीड करते रहें कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना, इसलिए दृश्यम का फॉर्मेशन किया।
कि ये बहुत ज़रूरी है अगेन एज ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल तरीके से हम कंटेंट डेवलपमेंट टू द एग्जीक्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन द फिल्म कि हम कैपेसिटी तैयार करें एक कैपेबिलिटी तैयार करें टू रिड्यूस एंड मिनिमाइज द स्पेकुलेटिव रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस. जितना हम अगेन मैं बार बार उस स्थिति पर आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी जो फिल्म मेकर्स हैं वो समझ नहीं रहे कि इतना ज़्यादा स्पेकुलेटिव अगर आप नेचर बना देंगे ना किसी भी कार्य का तो उसमें जो है नुकसान होने के चांसेस बहुत होते हैं, उसमें कैजुअल्टी होने के चांसेस बहुत होते हैं. तो अगर आप उसको मिनिमाइज कर दें तो हो सकता है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हो लेकिन कैजुअल्टीज कम हो जाएंगी, सिचुएशंस थ्राइव होंगी, लोगों को एक एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसमें लगेगा कि ये तो बहुत आसान काम है, इसमें रिस्क नहीं है और कोई भी कर सकते हैं. और जितने ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, जितने नए लोग इसमें आएंगे, उतनी ज़्यादा डेप्थ और वैरायटी होगी. तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी था. और ये जो सनडांस फेस्टिवल के साथ जो कोलैबोरेशन था वो क्या था? उसमें वो एक कंटेंट डेवलपमेंट का एक तरीका था जिसमें हम लोगों को इनवाइट करते थे कि आप अपनी कहानी भेजिए हमें. 50-100 कहानियाँ आती थी, उसमें से कुछ 6-7 कहानियों का सिलेक्शन होता था. स्क्रीन प्ले के रूप में ही होती थी वो कहानियाँ और फिर हम इंटरनेशनल लेवल के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इनवाइट करते थे सनडांस इंस्टीट्यूट के सानिध्य में, जो मेंटर बनते थे इन लोगों का और उनके साथ बैठ करके उसको वापस रीवर्क करते थे स्क्रीन प्ले पे. 6-7 दिन की वर्कशॉप होती थी और फिर 2-3-4 महीने कंटिन्यूस इंटरेक्शन चलता था टू ब्रिंग द स्क्रिप्ट टू द इंटरनेशनल लेवल. वो हमने 2 साल किया. फिर मुझे ये एहसास हुआ कि उसमें जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना रिजल्ट आ नहीं रहा है और हम उतने ही पैसे से हम कुछ अलग तरीके से मॉडल करके इसको ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं. तो फिर हमने अपने सिरे पे शुरू किया कि हम लोगों से स्क्रीन प्ले नहीं मंगा करके कहानी मंगाएंगे. कहानी में अगर हमें जो 5-7 पेज की 8 पेज की कहानी में अगर हमें एक जुड़ाव लगेगा, एक तथ्य दिखेगा, उस कहानी को हम लेंगे और फिर हम एक स्क्रीन प्ले राइटर को हायर करेंगे, उन दोनों के साथ बैठ करके एक स्क्रीन प्ले डेवलप करेंगे. तो जो भी हम 4-5-3 कहानियाँ सेलेक्ट करेंगे वो हम ओन करेंगे, हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि इसको हम डेवलप कर रहे हैं और फिर उसको हम फिल्म के रूप में कन्वर्ट करेंगे. तो वो सनडांस में वो गारंटी नहीं थी. तो मुझे लगा कि हमें वो चाहिए कि शुरू से लेकर अंत तक हम उसको पूरा एक रास्ता दिखाएँ. तो इसलिए अब हम वो उस तरीके से करते हैं. तो सनडांस के साथ जो एक्सपीरियंस था उसका अगर बहुत संक्षेप में कोई निचोड़ निकालें तो वो एसोसिएशन किस ख्वाब के साथ किया गया होगा और क्यों उसे तोड़ना पड़ा? हालांकि एक पार्ट उसका जवाब आप दे चुके हैं लेकिन फिर भी अगर इसको समराइज करें तो. वाई सनडांस? बिकॉज मैंने आपको बताया कि मुझे लगा कि बहुत ही इंटरनेशनली स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिससे इंडियन स्क्रिप्ट राइटर्स को एक एक्सपोजर मिले कि अपनी स्क्रिप्ट को इंटरनेशनल लेवल तक. जैसे मसान सनडांस लैब की एक कहानी थी, अमरीका वो भी सनडांस लैब की कहानी थी, अभी जो रुख आ रही है वो सनडांस लैब की कहानी, और भी 2-3 कहानी, तितली वो भी मेरे ख्याल से सनडांस लैब की. तो ये इंटरनेशनल लेवल की फिल्में से आपको पता चलता है कि अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर पाएंगे तो आपकी स्क्रिप्ट को आप उस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं जो बाद में इंटरनेशनल लोगों को समझ में आती है या एक बाहर के दर्शकों को अट्रैक्ट करती है और उनका लेवल थोड़ा सा अलग होता है. तो इसलिए सनडांस था कि हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं या हमें खुद ऐसी स्क्रिप्ट्स मिले जो इंटरनेशनली क्यूरेट की गई हों एक्सपर्ट्स के द्वारा. क्यों नहीं, बस कि मुझे लगा कि स्क्रिप्ट तैयार हो जाए पर अगर हम उसको बैक नहीं कर पाए, क्योंकि जब वो सेलेक्ट करते थे, मान लीजिए 6 स्क्रिप्ट सेलेक्ट हुई उसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं होता था. तो उन्होंने जो सेलेक्ट करी उसमें हमें इंटरेस्ट है कि नहीं, वो इतना श्योरिटी नहीं थी. तो 6 में से शायद हमें एक समझ में आया कि हम यही बना पाएंगे, बाकी के बजट इतने बड़े कि हम नहीं बना पाएंगे या इंटरनेशनली कोई और. तो वो 5 जन इधर उधर घूमे बिना इन्वेस्टमेंट के और अपनी दौड़ खुद लगाए इन्वेस्टमेंट के लिए. तो वो मुझे लगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, या तो आप शुरू से इन्वॉल्व हो कि भाई हमने ये 5 कहानियाँ चुनी है तो 5ों हम बनाएंगे और फिर उसको डेवलप करो, तो एक आपका कमिटमेंट है उन कहानियों के, या किसी ने आकर के 5 सेलेक्ट कर दिए उसमें से आपका कमिटमेंट एक में भी नहीं है
तो बन जब वो डेवलप हो गई तो उसके बाद क्या, तो हर साल जैसे 6 कहानियां और सनडांस लैब जैसे हमारे साथ 2 साल था, महिंद्रा के साथ 2-3 साल था, 4-5 साल में समझ लीजिए आप 6 के हिसाब से 30 स्क्रीन प्ले तो ज़रूर डेवलप हुए होंगे, उसमें से 4-5 बन पाए, बाकी कहाँ गई। तो फिर वो एक इन्वेस्टमेंट का जो एक, अगर आप उसको बैक ही नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब नहीं है मेरे ख्याल से उसमें डेवलप करने का। तो आप उनको ही डेवलप करें जिन्हें आप बैक कर पाएं या बैंकेबल हो। तो इसलिए फिर हमने कहा हम उल्टा चलेंगे, हम कहानियां सेलेक्ट करेंगे जो हमें अच्छी लगे, फिर हम स्क्रीन पे डेवलप करेंगे ताकि हम उसको बैक कर रहे हैं और स्क्रीन पे को हम फिल्म को कन्वर्ट करेंगे। तो वहां पे छिजत कम होगी, प्रोबेबिलिटी इज लाइक ऑलमोस्ट 70-80% विल बी कन्वर्टेड इनटू फिल्म, नॉट की 5% और 7%, यू नो। सो दैट्स व्हाई हमने मॉडल चेंज किया। अच्छा, फिर चूंकि आप कहते हैं कि एक जो विश लिस्ट में जो आपको बॉक्स टिक करना था उसमें फिल्म भी थी और वो आपने कर दिया, फिर लेकिन हम देखते हैं कि उसको करने के बाद अब आप दृश्यम VFX एक अलग से एंटरप्राइज शायद बना रहे हैं, बनाए हुए हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि अब आप आ गए तो अब आप इससे जाना नहीं चाहते हैं, इसके लिए आप भले फिल्म कुछ भी करती रहे लेकिन आप एक छोटी सी दुकान VFX की लगा कर आप बिज़नेस अपना जो फाइनेंशियल रोटेशन और उससे प्रॉफिट ही उसमें फोर्सी कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने जो पहले बात करी कि इकोसिस्टम डेवलप करने की, तो जो मुझे लगा कि अगर छोटी फिल्मों को सर्वाइव करना है तो उनको रास्ते खोलने पड़ेंगे। जैसे मैं हूँ, मेरी कमाई का ज़रिया कहीं और है, तो मैं निर्भीक होकर पिक्चर बना लेता हूँ, ऐसे कई लोग नहीं हो सकते। तो ऐसा है कि सिस्टम बने कि जो बड़ी फैंटासी फिल्म्स हैं जो बड़े लेवल पे बनती हैं उनको आप बनाने में हेल्प करें और उनसे पैसा लें और उससे फिर आप छोटी फिल्म बनाएं। तो अगर ये सिस्टम डेवलप हो सकता है, अगर ये बिजनेस डेवलपमेंट हो सकता है कि विजुअल इफेक्ट्स हैवी बड़ी फिल्में बनाएं और उसमें आप हेल्प करें, उसमें आप कंट्रीब्यूट करें और उस फीस से और उस कमाई से आप छोटी फिल्में बनाएं, तो एक एक, 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 एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल डेवलप हो सकता है। तो इसलिए VFX में हमने एंट्री ली कि उससे 2 चीज़ें होती है, एक तो एक्सपोजर पड़ता है, हमारा रिलेशनशिप बढ़ता है बड़े फिल्म निर्माताओं के साथ, बड़े लोगों के साथ। दूसरा, उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है, जो क्योंकि फी बेस्ड बिजनेस है, उसको आप फिर आप चर्न आउट कर सकते हो इनटू कंट्रीब्यूटिंग टू मेकिंग स्मॉल फिल्म्स। एक ये, दूसरा जो छोटी मोटी फिल्में भी होती हैं, चाहे वो आंखों देखी हो चाहे मसान हो, उन फिल्मों में भी 25-30 लाख का विजुअल इफेक्ट्स लगता है। तो मुझे लगा कि आप अपना अगर विजुअल इफेक्ट्स लैब बना लो और साल में अगर आप 3-4-5 पिक्चर बनाए तो 1-2 करोड़ रुपए का बिलिंग तो आप यहाँ भी कर सकते हो, और उसके अलावा जो ऐसी कई दूसरे लोग जो छोटी फिल्में बना रहे हैं उनको भी आप एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे एक ओपनिंग दे सकते हो कि आप अपना विजुअल इफेक्ट्स यहाँ करा लें, ताकि उनको भी एक थोड़ी कॉस्ट कम हो जाए और इनको एक स्पेस मिले जिसमें वो काम हो सकता है। दैट वॉज द रीज़न वाई हमने VFX डिविजन सेटअप किया, ताकि वो एक अपना एक वर्टिकल हो जो इंडिपेंडेंट होकर भी आपकी फिल्मोग्राफी को कंट्रीब्यूट करें। दूसरा, दृश्यम प्ले जो अभी हमने शुरू किया है, उसका आइडिया है कि संगीत, जो सोलफुल म्यूज़िक, स्पेशली जैसे कहानियों के मामले में भारत है, वैसे ही संगीत के मामले में अथाह सागर है भारत में, लोकगीतों में, लोकवादों में, और भी पूरी इंडिया के जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कोने कोने में जो राग और जो सोलफुल म्यूज़िक फैला हुआ है वो कहीं खो रहा है भीड़ में। तो मुझे लगा कि एक जिम्मेवारी ये भी बनती है फिल्म मेकर्स की कि वो संजीदा चीज़ों को भी निकाले, बाहर रखे और सोशल कॉज के लिए करते रहे। ये भी मेरी बड़ी शिकायत रही है जो स्थापित फिल्मकारों से कि कुछ तो कंट्रीब्यूट होना चाहिए, और इसलिए फिल्म जो दृश्यम प्ले है इज़ ए मोर लाइक ए कंट्रीब्यूशन, ए प्लेटफॉर्म नए लोगों के लिए, नए संगीतज्ञ लोगों के लिए, लिरिसिस्ट के लिए, और एक क्रिएशन करना कि जो इंडियन म्यूज़िक है उसको रिवाइव किया जाए, उस इंडियन मेलोडी को रिवाइव किया जाए, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्योंकि डिजिटल स्पेस इतना बड़ा है और इतना ऑर्गेनिक है
कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा गाना बनाएंगे तो वो अपने आप वायरल होता है, अपने आप मूव होता है। जैसे अभी हमने 2 दिन पहले एक गाना रिलीज़ किया है दृश्यम प्ले में वीडियो, रुख का नहीं, रुख के बाद अभी एक रब जोगी रिलीज़ किया है, 2 दिन में 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो गए, जबकि वो ऑर्गेनिक है पूरा। तो वो मेलोडी सबको अच्छी लगती है, दैट इज गिवन अ प्लेटफॉर्म, दिस इज द फर्स्ट टाइम म्यूजिक डायरेक्टर हु हैज डन दैट, संतोष जगदल लेकर के है, उसकी पहला गाना है और जिन्होंने लिखा है लिरिसिस्ट इसको, क्या आप कोक स्टूडियो की तर्ज पे कुछ सोच रहे हैं? हाँ, बट थोड़ा सा मकसद दूसरा है, मकसद ये है कि गाने इसमें इसको एक लैब बना दें जिसमें हम संगीतज्ञ को, लिरिसिस्ट को या किसी को भी एक प्लेटफॉर्म देते हैं जो आके अपना प्रदर्शन करें, मतलब उसमें ऑर्नामेंटल स्केल कम कर देंगे। हाँ, हाँ? हाँ, और मेलोडी या संगीत अच्छा। से रिलेटेड जाए, और प्लस उस गाने को देन हम उठा करके लैब से, आपका गाना चला अच्छा लगा, उठा करके फिल्म में डालो। अच्छा, तो उसको एक मुकाम भी दो ताकि वो वहाँ से फिर अपना एक रास्ता निकाले। तो मुझे लगता है कि वो दैट विल कम्प्लीट द होल, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन आवर मॉडल एंड देयर मॉडल, कि पहले तो आपने उसको गाना बनाया, रिलीज़ किया, फिर उसको एक मुकाम दे, उसको एक स्थान दे दिया, उसको एक जगह दे दी। तो बात ये है मनीष जी के, अभी ये तो बहुत ही और भी बातें करने का दिल है, लेकिन इसको अब थोड़ा थोड़ा समेटते हैं। ये बताइए कि जब आप करीब 100 साल के हम लोगों के फिल्म इतिहास को देखते हैं और उसमें हाल के पिछले 25 वर्षों में ख़ास तौर पर फिल्म प्रोडक्शन का भी नेचर बदल रहा है, हालांकि इससे पहले भी शतरंज के खिलाड़ी जैसी फिल्मों में भी प्रोड्यूसर अलग तरह के आए, पाथिर पंचाली में भी अलग तरह के आए, पहले भी हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर फिल्में हम लोगों के यहाँ की इनसाइडर प्रोड्यूसर्स ही प्रोड्यूस करते रहे, बहुत कम उदाहरण हैं जिसमें आपकी तरह के कोई एंटरप्रेन्योर आकर फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब आप इस मुंबई की फिल्म की बिज़नेस की दुनिया में जब आप कंधे से कंधा फिल्म वालों के साथ रगड़ते हैं, तो क्या तजुर्बा सामने आता है कि आपको अजनबी की तरह स्केप्टिकल ढंग से देखा जा रहा है, या खुद आप उस दुनिया को कैसे देख रहे हैं? मैं ज़्यादा इंटरेक्शन करता नहीं हूँ वैसे तो इंडस्ट्री में, तो लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में मुझे, बट मैं अपने बारे में जो समझता हूँ वो है कि आउटसाइडर ही रहना ठीक है अगर आपको अंदर क्रांति लानी है तो। उस सिस्टम का हिस्सा बन करके आप क्रांति नहीं ला सकते, आप उनके जैसे ही हो जाओगे। दूसरा, जो फिल्म को है वो बिजनेस के तौर पे नहीं देख करके एक पैशन के तौर पे ही रखें, और बाहर पैसा ज़रूरी होता है हर काम के लिए, बाहर आप अपने एनर्जीज लगाएं पैसा कमाने के लिए, और अंदर ला करके आप निर्भीक होकर के फिल्में बनाएं डिसिप्लिन में, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना लें। तो उससे मेरा जो अगर आप कहें कि मैं कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी में 4 सालों में जो 8 फिल्में बनाई हैं, 9 फिल्में बनाई हैं अब रिलीज़ हो करके और आगे 7 बना रहा हूँ, इज़ बिकॉज कि वी हैड दिस डिसिप्लिन कि कहीं से एक फ्लो जारी रहे और हम कंसिस्टेंसी दें कंटेंट में विद डिसिप्लिन, तब जा करके उसका इम्पैक्ट दिखेगा, तब जा करके लोगों को एहसास होगा कि ओके दिस इज़ अ मॉडल विच वी कैन लुक इन, क्योंकि एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया और फिर बंद हो गए तो वो इम्पैक्ट आता नहीं है। तो एज एन आउटसाइडर आई कुड डू इट बिकॉज सक्सेस फेलियर कमर्शियली का मुझे इतना कोई डर नहीं, क्योंकि मैं समाज में हुई नहीं वहाँ पे, तो मुझे कोई जानता भी नहीं है कि ये कहाँ है जो उसको देखें और उसका आकलन करें, और मैं बाहर हूँ, मैं अपनी नौकरी भी कर रहा हूँ और अपनी कमाई की, तो मुझे कोई वहाँ के सक्सेस फेलियर से मुझे कोई मतलब नहीं। मोर फोकस्ड इज कि अपना जो एक तय जो मॉडल है उस पर हम लगे रहें, अच्छी कहानी बनाएं, छोटी कहानी बनाएं, छोटे स्तर पर बनाएं, डीप बनाएं, डिसिप्लिन में बनाएं और ढंग से बनाएं। तो एज एन आउटसाइडर जो है मैं वो कर पा रहा हूं। और जिस विश्व सिनेमा की बात आपने की, चाहे वो फ्रेंच न्यू वेव की बात हो या बीच में आपने 80-90 के दशक के भारतीय सिनेमा की तारीफ की में कुछ बातें कहीं, खुद अगर आप देखें तो कैसा सिनेमा आपके दिल के बहुत पास है, आपका देखा हुआ? मेरे दिल के पास वही सिनेमा है जो सच्ची कहानियां हैं, जो कहानियां आप सुनते हैं देखते हैं दिल को छू जाती है और आपके अंदर एक बदलाव, आपके अंदर
आपके अंदर को झकझोरती हैं, आपके अंदर को सोचने को मजबूर करती हैं, वो कहानियाँ हैं जो मेरे लिए बहुत करीब होती हैं वो कहानियाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कहानियाँ होती हैं, कहानियाँ कई तरह की होती हैं, बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर हम इतना ही कर पाए, मैं इतना ही कर पाया, तो बहुत होगा कि ऐसे कोई 25-30-50 कहानियाँ बोल दी, उसको कन्वर्ट कर दी फिल्मों में, तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखेगा, वही मेरा मकसद है। फिर भी अगर किसी एक फिल्म को याद करें जिसका मन पर बहुत असर हो और आपको लगता हो कि एक दिन वैसी फिल्म तो ज़रूर बनाऊँ, मासूम, अर्ध सत्य, मिर्च मसाला। और वर्ल्ड सिनेमा में? वर्ल्ड सिनेमा में मैं, मुझे ना नाम फिल्मों के याद नहीं रहते, बट मुझे बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं जो मुझे दिल को छुई हैं। या फिल्म मेकर्स में? स्पिलबर्ग अब ग्रैंड फिल्में बनाने लगे हैं, बट उनकी फिल्मों में जो मेहनत है, या डैनी डे लुइस की सारी पिक्चरें एज एन एक्टर आप देखें, जो उन्होंने मेहनत करी है और जो वो करते हैं, वो हमेशा मुझे ये जो फिल्में हैं, जो छोटी फिल्में, जो यूरोपियन सिनेमा है, जो जिस टाइप की हम अब बना रहे हैं रिलेशनशिप पे, ईरानियन सिनेमा जिस पे डेवलप हुआ है, वो फिल्में मुझे लगता है कि भारत बहुत अच्छी तरीके से बना सकता है। और मेरा लगाव और मेरा झुकाव भी उसमें है कि हम जो एक पारिवारिक रिश्ते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप है, और ह्यूमन रिलेशनशिप और उसका इम्पैक्ट, और उस पर करता हुआ इम्पैक्ट, जो इकोनॉमिक या और भी जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आता है, और कैसे उसको सर्वाइव करते हैं, और कैसे उस चीज़ की, उस जर्नी को ले जाते हैं, उन कहानियों पे मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है। और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से उन कहानियों को कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना परिवेश है, इतनी सारी डिफरेंट जगहें हैं जहाँ पे हम उन कहानियों को स्थापित कर सकते हैं और बोल सकते हैं, तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल लगता है। और मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें। जब आप उस बात को याद करते हैं जिसमें रजत कपूर ने अपने ट्वीट में ये लिख दिया था कि अच्छी फिल्म में कोई पैसा लगाने वाला नहीं होता है, और आप आए, अब जबकि आप खुद, ये तो डायरेक्टर की शिकायत प्रोड्यूसर के साथ है, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर आपकी क्या शिकायत है डायरेक्टरों के साथ जो बहुत उत्साह से आपके पास प्रपोजल लेकर आते हैं या आपको अप्रोच करते हैं? तो अगर आप जो एस्पायरिंग डायरेक्टर्स हैं उनको देखते हैं तो क्या? मुझे शिकायत नहीं है, क्योंकि हर एक कोई का अपना एक सपना होता है, अपना एक कहने का तरीका होता है। कुछ लोगों के साथ मन मिल जाता है, आइडियाज़ मिल जाते हैं, विचार मिल जाता है, और बजट मिल जाता है, तो कहानी बन पड़ती है। कुछ लोगों के साथ बजट नहीं मिल पाता, मन मिल जाता है, कई लोगों के साथ मन नहीं मिल पाता है, कहानी नहीं समझ में आती है। सबके अपना अपना एक प्लेटफॉर्म है, तो मुझे किसी से शिकायत नहीं है, बट ये ज़रूर है कि मुझे नए लोगों पर ज़्यादा विश्वास होता है, कि उनके अंदर एक फायर होती है, उनके अंदर एक आग होती है, वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और सच्चाई होती है कहानी कहने में। तो एक आध दो फिल्म या एक फिल्म या दो स्मॉल फिल्म करी हुई, और तो ऐसे नए जो राइटर्स डायरेक्टर्स होते हैं, मुझे लगता है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी कहानियाँ दी हैं, और भरोसे को बिल्कुल बराबर सा ला के दिया है जो भी हमने फिल्म में सोचा था। जो पुराने डायरेक्टर्स हो जाते हैं, 8-10-12 फिल्में बन जाती हैं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से लगता है कि वो रिस्क भी कम लेते हैं और रीइन्वेंट नहीं करते हैं। नए लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए, रिस्क लेने के लिए भी, तो मैं नए लोगों के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। और बिल्कुल आखिर में आपसे पूछेंगे कि न्यूटन आपकी फिल्म चूँकि ऑस्कर्स में नॉमिनेट हुई है, और एक दो जगहों पर जिस आत्मविश्वास से आपने ये बात कही कि उसको ज़रूर अवार्ड मिलेगा, इस सिलसिले में आप इस आत्मविश्वास के पीछे का क्या कारण है? आत्मविश्वास ये ज़रूर है कि हमें ऑस्कर मिलेगा, ये मुझे शुरू से ही है। न्यूटन पे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इतना जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे हम प्रोसेस को समझ रहे हैं, थोड़ी घबराहट बढ़ रही है कि तो बड़ा लंबा काम है, बड़ा गहरा काम है, और समय चाहिए इसके लिए। मतलब कि मेरे ख्याल से जो सबसे पहली चीज़ जो अभी समझ में आई है कि कट ऑफ डेट इंडिया से ना वो जुलाई में होना चाहिए, जून जुलाई में, ना कि सितंबर में। जून जुलाई में इंडिया को तय कर लेना चाहिए कि कौन सी ऑस्कर में जाएगी।
तो आपको जो है 4-6 महीने मिलते हैं काम, तो अभी तक का पहला जो एक समझ में आई है बात। बाकी और भी हैं 2-3 बातें, बट मुझे लगता है कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हर साल अच्छी फिल्में देंगे, न सिर्फ दृश्यम, फिल्में अब बन रही हैं, अच्छी बन रही हैं, और मुझे लगता है कि 1-2 सालों में जो है विल बी रेगुलर विजिटर इन टॉप 5 कैटेगरी ऑफ ऑस्कर्स, दैट आई एम कॉन्फिडेंट कि अगले 1-2 सालों में भारत की जो फिल्में हैं वो टॉप 5 में जाने लगेगी और हम जीतने लगेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो समय आ गया है। न्यूटन से होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, कोशिश भी हम पूरी कर रहे हैं, बट समय थोड़ा सा कम होता है। सितंबर से जो कट ऑफ मिलता है उसमें नवंबर तक में आपको खेल खेलना होता है, जो भी वहाँ पे रिलीज़ करना है या समीक्षा करवानी है उसके बारे में एक बस तैयार करना है, क्योंकि दिसंबर 4 के बाद तो वोटिंग होनी शुरू हो जाती है और सब कुछ, दिसंबर तक तो आपका खेल हो जाता है, तो आपको समय कम मिलता है। वही चीज़ अगर 5-6 महीने आपको मिले होते हैं तो आप उसमें आप कुछ कर पाते हैं। तो दैट वन थिंग आई वुड से कि वो तो अभी पहला लेसन हो ही गया कि आपका, बट मुझे लगता है कि टॉप 5 में आ जाएंगे, क्यों ये नहीं बता सकता, लेकिन मुझे मेरा एक गट फीलिंग है कि हम आ जाएंगे और वहाँ पहुँचेंगे तो शायद जीत भी जाएंगे। तो हम आपको पहले से ही शुभकामनाएं देते हैं अपने प्रोग्राम गुफ्तगू और राज्यसभा टीवी की तरफ से। मनीष जी, हमारी तरफ से सवालों का सिलसिला अब करीब करीब पूरा हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ और ऐसी बात जो आपके मन में रह गई हो तो ये मौका है कि आप कह सकते हैं। मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहूँगा गुफ्तगू में, मुझे आने का मेरा एक सपना ही सा था। जितने भी आपके प्रोग्राम होते हैं मुझे बहुत पसंद है और मैं उनसे सीखता हूँ, अगर आपको सच बताऊँ तो देखता हूँ, कई बार मैं बार बार जाके देखता हूँ। तो मेरा एक सपना था कि मैं यहाँ आऊँ और दिल से बात करूँ, मुझे लगता है वो मैंने की आज। बस धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आऊँ बातें करूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का, मुझसे बातें करने का। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपने इतना वक्त दिया और गुफ्तगू में ये विश्वास रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। गुफ्तगू में ये थे युवा व्यवसायी और फिल्म प्रोड्यूसर मनीष मुंद्रा। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। मैं इस सत्य से परिचित हूँ, मैं एक छोटा कण हूँ इस दैत्यव्यमान सृष्टि में, मैं क्षणभंगुर हूँ। मैं इस सत्य से परिचित हूँ, जीवन होता मृत्यु को अग्रसर, हर पल हर क्षण एक बूंद हूँ इस अलौकिक महासागर में, घुलता विलीन होता मैं। मैं इस सत्य से परिचित हूँ, पंच तत्व से बना हूँ मैं, पंच तत्व में विलीन हो जाऊँगा मैं। ना रूप रहेगा ना प्रारूप रहेगा, ना शब्दों का दंश रहेगा, ना व्यथा होगी ना अहंकार होगा, ना भय होगा ना तिरस्कार होगा। मैं इस सत्य से परिचित हूँ, सबका विलय होगा एक सृजनात्मा में, तुम मैं वो हम सब एक ही भस्म, एक ही तत्व, एक ही लय, एक ही गंतव्य। क्या तुम इस सत्य से परिचित हो?